हेलो एंड नमस्कार हाय स्वागत है आप सभी का मैं हूं तनसुक पालीवाल लिंकिंग लॉस अन अकेडमी इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एनर्जेटिक वेलकम देखिए आज की क्लास ऐतिहासिक क्लास इसलिए होने वाली है क्योंकि इंडियन पिनल कोड के अंदर एक चैप्टर एक ही क्लास के अंदर इतनी बुरी तरीके से पिटेगा वो आज आप लोग देखोगे हाँ हो सकता है समय की नजाकत से एक दो मिनट का जो है मामला देरी से स्टार्ट हुआ लेकिन होगा बड़ा बेहतरीन एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर एक मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका दिख जाए तो इस सेशन को आगाज करने का इस सेशन को शुरू करने का जो मन है जो दिल है जो जज्बात है जो इमोशन है जो एनर्जी है जो एक्साइटमेंट है जो एंथ्यूजियाज्म है वो एकदम चरम पे आ जाएगा फटाफट एक बार चेहरा इमोजी मुस्कुराता हुआ कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दीजिए ताकि जो हमारी एनर्जी है वो दुगनी हो जाए बड़े ही जोश के अंदर आज दो घंटे में ताबड़तोड़ तरीके से क्या करना है इंडियन पिनल कोड को डिस्कस है जो करना है अरे वाह बहुत बढ़िया शाबाश यही मुस्कुराहट जो है ना 2022 पे आपके चेहरे पर बनी रहे और जज बनो तब तो मजा आ जाए चलिए सीधे मुद्दे पर आता हूं यहां पर देखिए आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है हमारा इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता का एक ऐसा चैप्टर जो किससे जुड़ा हुआ है जो कनेक्टेड है आपके पब्लिक जस्टिस से देखो आप सब लोग जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, है ना? उस एग्जाम का अल्टीमेटली उद्देश्य क्या है लोगों को न्याय देना है ना न्याय को जस्टिस को डिलीवर करना तो उसके संबंध में अपराध क्या क्या हो सकते हैं? जब आप जज बनोगे तो आपके प्रोसीडिंग के संबंध में क्या क्या चीजें हो सकती है उनको अपन डिस्कस करेंगे वैसे आपको मैं बता दूं कि आपके सामने जो है कई तरह के सेगमेंट जो है इस वीक चलने वाले हैं देख लीजिए यहाँ पर कल सूर्या ने इकोनॉमिक रिपोर्ट से ऐसे रेटिंग किया था आज अपना आईपीसी का रिवीजन है मंडे को हिंदू लॉ के सारे हिंदू लॉ की बैंड बजाएंगे 11 बजे शिवानी मैम और उसके बाद में 18 जनवरी को 18 जनवरी को एक क्लास एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एंड एमपी की तैयारी करने वाले कैंडिडेट इस क्लास से मिस मत कीजिएगा शाम को छह बजे अपूर्वा मैम इस क्लास को लेने वाली है और बेहतरीन और शानदार क्लास होगी और देन आफ्टर देखिएगा यहां पर वेनेस्टे को ग्यारह बजे सुबह जगदीश सर जो है हमारे सौ ऐसे बेहतरीन एमसीक्यू लाने वाले जो जुडिशियल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है लिंकिंग लॉस आपसे कमिटमेंट करता है कि अब से हफ्ते में जो क्लासेस होगी टू द पॉइंट क्लासेस होगी चलिए तो हम आ जाते हैं हमारे मुद्दे पर हमारा मुद्दा बड़ा सिंपल सा है कि हमें अभी जो है कॉन्सेप्चुअल क्लास डील करनी है अगर आपने अभी की क्लास डील नहीं की तो मान के चलना जो स्पेशल क्लास होने वाली है उसमें कहीं कहीं आप जो है मजे से इंजॉय नहीं कर पाओगे ठीक है चलिए अब यहां पर हमारे सामने क्या है कि सबसे पहले कॉन्सेप्शन सेगमेंट को करते हैं अपन डील स्टार्ट है जो करते हैं बैकग्राउंड अपन डाल देते हैं अच्छा खासा कैसा एकदम व्हाइट कलर का सुनहरा ताकि चीजें और अच्छे से हमारे सामने समझ में आ जाए 191 से लेकर 191 से लेकर 229 ए तक लगभग लगभग जो इसके अंदर ऑफेंस की कैटेगरी आएगी वो कितने हैं है. कितने 45 है और ये चैप्टर अपने आप में लगभग कहीं ना कहीं जो है चालीस तरह के फोर्टी टाइप्स के डेफिनेशन वाले पार्ट को मैं एक्सक्लूड कर दूं आपने देखा होगा कि जनरली क्या आता है कि एक सेक्शन डेफिनेशन का आता है परिभाषा का आता है और उसके बाद में अगला सेक्शन सेक्शन या अगले दो तीन जो हैं है। प्रोसीडिंग होती है कोर्ट में एविडेंस लिए जाते हैं कोर्ट में शपथ ग्रहण कराने वाले डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट वगैरह फाइल किए जाते हैं कोर्ट में को उपस्थित किया जाता है कोर्ट के द्वारा किसी प्रॉपर्टी को सीज करने का फॉरफिट करने का आदेश दिया जाता है कोर्ट के अंदर किसी के फेवर में डिक्री आती है किसी के अगेंस्ट में डिक्री आती है और कोर्ट की प्रक्रिया के लिए ही अरेस्ट किए जाते हैं किए जाते हैं वगैरह वगैरह तो जो सारी की सारी प्रोसेस कोर्ट के अंदर फॉलो की जाती है चैप्टर उन्हीं के बारे में ऑफेंसेस जो है एलोब्रेट करता है डिस्कस है जो करता है ठीक है नाउ अब आगे बढ़ते हैं सर मोर वीडियोज ऑन सीपीसी देखो ध्यान रखना कुंभ के मेले में दो भाई बिछड़े थे एक सीपीसी था एक आईपीसी था अब आप आईपीसी जब आपको मिला है तो उसकी खुशी मनाने की बजाय आप सीपीसी का गम कर रहे हो पता है आईपीसी का दिल दुखता है समझ रहे हो इसलिए दिल मत दुखाओ एंजॉय करो आज की क्लास को सीपीसी भी एक दिन हमारे सामने जरूर आएगा बेहतरीन वे के अंदर आएगा तो अब इस एस एस्पेक्ट को डील करने का मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसा शॉर्टकट ऐसा तरीका जो आप अगर समझेंगे तो भविष्य में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा कभी भी कुंभकर्ण को मारना है ना ध्यान से सुनना मेरी बात को कुंभकर्ण को मानना है तो हमारे पास में कोई राम जी जैसी पावर तो है नहीं और ना ही हम हनुमान जी है कि छोटे से बड़े हो जाएंगे हम तो ठहरे इंसान इसलिए हम क्या करेंगे उसको छोटे छोटे टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइड करो जो उसके रिलेवेंट टुकड़े हैं उन टुकड़ों को अलग अलग करके कंबाइंड कर लो जो एक के साथ दूसरे का लिंकिंग क्रिएट करते हैं ठीक है तो 191 से लेकर आपके 229 ए तक भी कई सारे छोटे छोटे पीसेज हैं जो बनते हैं किचन में सब्जी बनती है तो डायरेक्टली नहीं बनती है है ना वैरायटी तैयार हो जाती वहां पर <coughs> तो यहां पर भी आपके सामने कुछ ऐसा ही आएगा जैसे एग्जाम्पल के लिए एक आप शब्द पकड़ लो जिसका नाम होगा फ़ॉल्स एविडेंस ठीक है फ़ॉल्स एविडेंस एक आप ये शब्द जो है इस कीवर्ड को मिथ्या साक्ष्य इसको है जो माइंड में सेट कर लो ठीक है दूसरा एक और शब्द पकड़ लो जिसका नाम होगा फॉल्स सर्टिफिकेट फॉल्स सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट तो पता ही है बचपन से हम कितने सारे लेते आ रखे हैं भारत को जानो प्रतियोगिता का सर्टिफिकेट आज भी शायद पता है आपकी डायरी वायरी के अंदर होगा है ना देन फॉल्स डिक्लेरेशन यानी कि मिथ्या घोषणा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट दोनों काम करेंगे यहाँ पर जो लिख रहा है उस पर भी फोकस करेंगे और अपनी जो श्रवण इंद्रिय है यानी कि आपके जो कान है उन पर पूरा कमांड रखेंगे जो मैं कहता जा रहा हूं उसको ऑब्जर्व करना भी बहुत जरूरी है यानी कि मिथ्या एक तरीके से घोषणा है जो करना ठीक है उसके बाद में यहां पर आपके सामने स्क्रीन द ऑफेंडर अब ये क्या फंडा होता है मतलब अपराधी को उसके अपराध से बचाना अपराधी को कहीं कहीं गिरफ्तारी से बचाना वगैरह उसको एक जगह पर छुपा देना वगैरह है ना उसके लिए झूठ बोलना स्क्रीन द ऑफेंडर वाला अपराध यहां पर आपके सामने आता है देन आफ्टर एक शब्द आप देखना ये जो शब्द ये है ना ये कौन सा वाला फॉल्स ये शब्द आधे से ज्यादा आपके प्रावधानों को क्लियर कर देगा है ना कहते हैं कि मैं भारत का नागरिक हूं मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा है ना तो झूठ बोलने वाला जब भी आप काम करते हो ना तो ध्यान रखना यहाँ पर आपके सामने ये वाला चैप्टर है जो हो जाएगा तो आज के बाद बोलते हैं झूठ बोले काटे ना तो आप यह कहना कि झूठ बोले चैप्टर कौन सा इलेवन वन नाइन वन से टू ट्वेंटी नाइन ए काटे ये याद रखना मतलब सारा का मामला इसमें आप देखना पूरा का पूरा झूठ के ऊपर आधारित है कैसे और देखो फॉल्स एविडेंस फॉल्स सर्टिफिकेट फॉल्स डिक्लेरेशन एक और नोट कर लो यहां पर जैसे कि फॉल्स परसोनेशन परसोनेशन मतलब क्या है मैं राम नहीं हूं मैं कौन हूं मैं श्याम हूं ठीक है जबकि एक्चुअल में आप तो राम ही थे फॉल्स प्रतिरूपण करना ठीक है रावण ने सीता का हरण करने के लिए क्या किया था पता है ना फॉल्स परसोनेशन किया था वो साधु का वेश धारण करके आ गया था जबकि वो था तो रावण तो उसने परसोनेशन किया था फॉल्स परसोनेशन और यहां पर क्या क्या आता है और यहां पर आपके सामने आ जाएगा जैसे फॉल्स रिमूवल फॉल्स रिमूवल ठीक है ये एक एक शब्द ध्यान रख लेना एग्जाम के अंदर एक एक मार्क्स देख के जाएंगे नहीं तो छीन के चले जाएंगे तो बी रेडी फॉर दैट ठीक है क्या होगा यहां पर फॉल्स आपके रिमूवल रिमूवल का मतलब क्या होता है किसी जगह को किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पर हटाना ये पेन यहां पड़ा था मैंने इसको हटाया दूसरी जगह पर रख दिया मैंने इसको क्या कर दिया रिमूव है जो कर दिया एक जगह से दूसरी जगह पर और यहाँ पर फॉल्स रिमूवल किया जाता है प्रॉपर्टी का अब सपोज करो कि क्या है कि कोर्ट के आदेश के तहत कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो है वो सीज की जानी थी जब्त की जानी थी फॉरफिट की जानी थी और आपको पता चला कि अच्छा ये प्रॉपर्टी तो फॉरफिट हो जाएगी तो आपने क्या कर दिया उसको धोखा धड़ी पूर्वक यानी कि एक तरीके से फॉल्सली है 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 जो जो क्या क्या कर दिया? कर दिया दिया उस जगह 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 को एक से दूसरी रिमूव इसके अलावा और क्या हो सकता फॉल्स क्लेम क्लेम फॉल्स यानी कि झूठा एक तरीके से दावा है जो करना अब यहां पर सारे के सारे मामले जो है वो फॉल्स से क्रिएट हो रहे हैं यानी कि आपको तो और कुछ नहीं याद रखना है आपको तो बस एक वर्ड पकड़ लेना है क्या झूठ फॉल्स है ना इसको पकड़ लो सारा का सारा आधा मामला जो है यहीं पर शॉर्ट आउट है है जो हो जाएगा फॉल्स 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 क्लेम के बाद में एक और वर्ड होता डिक्री डिक्री क्या बोलेंगे इसको false decree. सर ऐसा तो कोई शब्द है ही नहीं अरे सुनो तो सही सुनो फॉल्स डिक्री अब फॉल्स डिक्री का मतलब क्या है कि ऐसी डिक्री जो मिथ्या है और डिक्री मिथ्या कब होगी जब उसको ऑप्टेन करने के लिए आपने फ्रॉड कपट एक्सरसाइज है जो किया है क्या किया है कपट यानी कि फ्रॉडुलेंट डिक्री तो यहां पर दो तरह की फ्रॉडलैंड डिग्री की बात करेंगे अपन एक फ्रॉडलैंड डिग्री जो मेरे अगेंस्ट है एक फ्रॉडलेंट डिग्री जो मेरे फेवर की है आप डिग्री के हकदार नहीं थे फिर भी आपने डिग्री ले ली ये आपके फेवर की फ्रॉडुलेंट डिग्री है आपके अगेंस्ट डिग्री नहीं होनी चाहिए थी फिर भी आपने जानबूझकर अपने खिलाफ डिग्री करवा दी अब ऐसा मामला कब बनेगा ये भी सुनेगा ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको यहीं पर मिलेगा यानी कि फ्रॉडुलेंट डिग्री तो इसको मैं शॉर्टकट में नाम ऐसा करते हैं दे ही देते हैं ताकि आपके मन मस्तिष्क में किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं हो ठीक है तो यहां पर शब्द लिख रहा हूं मैं फ्रॉडुलेंट डिक्री ठीक है फ्रॉडुलेंट डिक्री डिक्री ये आपके अगेंस्ट भी हो सकती है और ये आपके फेवर की भी हो सकती है तो समझेंगे इसको फ्रॉडुलेंट डिक्री नाम याद रखे ना फॉल्स से इसका जो कनेक्शन जुड़ेगा इसके अलावा कई बार एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर फॉल्स चार्ज है जो लगाता है मतलब एक तरीके से झूठा आरोप लगाता है तो ये वापिस आ गया आपके फॉल्स चार्ज देखो फंडा बड़ा क्लियर है जी मैं आपको ये चैप्टर जो है ना तीन चार भागों में डिवाइड करवाऊंगा और वो डिवाइड करके हम चीजों को ऑब्जर्व करने वाले हैं ठीक है ठीके? डिवाइड करके क्या करने वाले हैं चीजों को ऑब्जर्व है जो करने वाले हैं तो यहां पर जितने भी आपके सामने एलिमेंट आएंगे वो सारे के सारे इस कैटेगरी के अंदर डिवाइड हो गए एक बार आंखें करो बंद सर आंखें बंद करके पढ़ते हैं घर वाले कहते हैं पागल हो गया है

जीवन के अंदर जितने डेडिकेशन के साथ में किसी और को पाने की कोशिश करते हो उससे आधा डेडिकेशन भी अगर आपने जुडिशरी को पाने के लिए लगा दिया ध्यान से सुनना ध्यान से फील कर देना वो आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता आज भी इंतजार है उस खाली कुर्सी को एक चेयर है जिस पर कोई नहीं बैठा है वो चेयर इंतजार कर रही आपका और पता है वो चेयर कहां पर है वो चेयर है कोर्ट रूम के अंदर न्यायालय के अंदर इंतजार कर रही है आप लोगों का अदालत में और बहुत बेसब्री से कर रही है इसीलिए आंखें बंद करो मेरे साथ में लीगल मेडिटेशन करो देखो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि मेडिटेशन बहुत ही पावरफुल एनर्जी होती है ठीक है तो क्यों ना हम इसको हमारे इस आधुनिक हमारी इस मॉडर्न कंपटीशन की पढ़ाई के अंदर अप्लाई करें चलिए देखो क्या करना है आके मन करो ऑब्जर्व करो जो जो बातें मैंने यहां पर पीछे बोर्ड पे लिखी हुई है वो बातें आपके माइंड के अंदर आएगी सबसे पहले फॉल्स एविडेंस यानी कि मिथ्या साक्ष्य उसके बारे में हमारे सामने ऑफेंस आएगा फॉल्स एविडेंस देना हो या फॉल्स एविडेंस क्रिएट करना हो वो उसके अंदर आने वाला है फॉल्स आपके सर्टिफिकेट एक मिथ्या प्रमाण पत्र फॉल्स डिक्लेरेशन एक मिथ्या आपके घोषणा वाला मामला ठीक है उसके बाद में कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन झूठी जानकारी देना अपराधी को बचाने के लिए या फिर फॉल्स पर्सोनेशन मिथ्या प्रतिरूपण वाला मामला या फिर एक तरीके से फॉल्स क्लेम क्रिएट करना फॉल्स चार्ज आरोप लगाना ये सारे के सारे मैटर जो है ना इसको मैं बोलूंगा फॉल्स वाला ग्रुप ये ग्रुप ऐसा होगा जो सिर्फ और सिर्फ झूठ पर आधारित होगा यानी कि आप समझ लो कि हम लोग क्या करने वाले हैं 191 को ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से अगर आपने डेढ़ दो घंटे कंटिन्यूस क्लास को देख लिया ना तो इस चैप्टर से आपको प्यार हो जाएगा पक्का वाला कच्चा वाला भी नहीं ठीक है 129 से 2 191 से 229 ट्वेंटी ए को हमें कुछ कैटेगरी में डिवाइड करना है और इनमें से सबसे पहली जो अभी तक हमारे पास कैटेगरी आई है वो है इन कॉमा के अंदर इसको मैं बोलूंगा फॉल्स ठीक है फॉल्स यानी कि मिथ्या सारा का सारा का मामला जो है इसके साथ में कनेक्टेड होगा हम आज कोशिश ये भी करेंगे कि इसके अंदर की जो पनिशमेंट है ना उसको भी आसान वे में एक टेक्निक के साथ में याद कर सके तो पहला तो आपका ये वाला मामला और कितने सेक्शन कवर करेगा ये लगभग लगभग ये आपके 191 से लेकर जो टू हंड्रेड है उसको भी कवर करेगा टू जीरो वन को भी कवर करेगा टू जीरो टू को भी कवर करेगा टू जीरो तो no no अरे हाँ कोई बात नहीं इन्फॉर्मेशन की बात की जा रही ना कई बार जो खामोश रहना भी एक तरीके से मिथ्या इंफॉर्मेशन देना हो जाता है आईपीसी में नहीं होता डोंट वरी उसके बाद में आपके सामने टू जीरो फाइव से लेकर टू हंड्रेड इलेवन तक का जो कॉन्सेप्ट है वो इस बारे में है जो क्या करता है डील है जो करता है आपको एक मजेदार बात बताऊं 203 से लेकर 211 तक ठीक है इसमें सजा कितनी है दो साल याद नहीं भी रहे तो भी इतना याद रख लो कि भैया दो साल तक की यहां पर क्या हो सकती है पनिशमेंट है जो हो सकती है इतना याद रख लोगे तो काम आपका काफी हद तक आसान है जो हो जाएगा 203 को इग्नोर करो दो सौ काम को इसको छह से लेके जाओ क्योंकि इसमें कंडीशन वाला जो मामला है उसको भी अपन अप्लाई कर देंगे यहां पर दो सौ पांच जहां पे फॉल्स

हार्बर का मतलब क्या होता है संशय देना एक तरीके से मतलब कोई व्यक्ति जिसको पुलिस भाग रही है गिरफ्तार करने के लिए आपने उसको अपनी जगह पर लाके रखा है अपने घर में लाके रखा है कोई भी उसकी व्यवस्था की है खाने पीने की होटल में रुकवा रखा है कहीं पर भी ये सब आपके सामने है जो आ जाएगा ठीक है तो अब वहां पर जो है क्या होगा अपराध करने के बाद अपराध करने से पहले नहीं हार्बर कभी भी अपराध करने से पहले नहीं होता है अपराध करने के बाद में होता है ध्यान रखना ठीक है हार्बर संश आपके स्पेसिफिकली सेक्शन 52 ए आईपीसी के अंदर मेंशन कर रखा है ठीक है तो वहां पर क्या होता है वहां पर तीन सेक्शन बना रखे तो दूसरी कैटेगरी जो हम डिवाइड कर सकते हैं वो आपके आ जाएगी हार्बर की अब हार्बर में क्या होगा देखिए समझिए हार्बर के अंदर आपके तीन पर्टिकुलर सेक्शन जो है डिवाइड होता है पहला सेक्शन दूसरा तीसरा 212, 216 और 216 ए ये तीनों सेक्शन जो है हार्बर के बारे में देखो जो प्रोविजन आपस में लिंक हो रखा है उसको एक साथ में रखो रीड विद किनके साथ पढ़ा जाता है इसको इसको पढ़ा जाता है इंडियन पिनल कोड के के सेक्शन 52 ए साथ में इसको रीड आउट है जो किया जाता है 212 216 हार्बर यानी कि क्या देना संशय है जो देना अब फर्क क्या है दोनों के अंदर उसको भी आप थोड़ा चाहे तो समझ लीजिए एक में तो ये होता है कि कोई व्यक्ति ऑफेंस किया हुआ है भाग गया लेकिन उसने रॉबरी और डकैरी का अपराध नहीं किया अगर रॉबरी डी का अपराध करके कहीं पे भाग गया और उसको किसी ने दिया है, तो दो सौ सो सोलह ए आता है एक्चुअली क्या है लूट और को हमारे कानून ने थोड़ा सा गंभीर माना है ठीक है तो उसके लिए अलग से सेक्शन क्रिएट कर रखा है बाकी आपके दो के अंदर आएंगे लेकिन अगर कोई व्यक्ति कस्टडी से भाग गया है किसी की अभिरक्षा में था या उसको दोष सिद्ध कर रखा था वो जेल के अंदर था या जेल से ले जाया जा रहा था वहां से भाग गया तो उसको बोला दो सोलह का अपराध सर याद नहीं हो रहा है कोई बात नहीं आ रहा है ना आगे आगे ध्यान रखना आपको भी बनाना है और बकायदा बेरेट के चिपका देना है ताकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल है जो साबित होगा ठीक है तीसरी जो हमारे सामने कैटेगरी आती है वो आती है पब्लिक सर्वेंट की स्पेसिफिक पब्लिक सर्वेंट मतलब यहां पर क्या है कि पब्लिक सर्वेंट के द्वारा थोड़ी बदमाशी की जाती है तो पब्लिक सर्वेंट के बाद में तो रिकॉर्डेड भी देख रहे हो तो भी कम से कम साथ, साथ में टाइप करते रहो इससे क्या होता है लेक्चर के साथ में आपकी फीलिंग वीलिंग जो है वो जुड़ जाती है ठीक है यहां पर क्या होगा समझना सर साइड प्लीज

172 से 190 पब्लिक सर्वेंट के विरुद्ध होने वाले अपराध है और मैं बात कर रहा हूं पब्लिक सर्वेंट के द्वारा दोनों के अंदर अंतर है ध्यान रखो भैया ये गड़बड़ मत करो नाम नहीं ले रहा हूं बट जिन्होंने गलती की है वो समझ जाओ द्वारा अपराध करना अलग है और अगेंस्ट अपराध करना अलग चीज है सोचो अगर आपसे पूछा गया है कि सूट फाइल करने वाले को क्या बोलते हैं आप अगर वादी की जगह प्रतिवादी लिख के आओगे तो कितनी बड़ी गलती होगी वैसी की वैसी गलती यहां पर भी हो जाती है अगर हम चैप्टर का डिनोमिनेशन ही गड़बड़ कर दे तो ठीक है पब्लिक सर्वेंट अब पब्लिक सर्वेंट कैसी कैसी गलतियां कर सकता है तो देखो पब्लिक सर्वेंट ने जान क्या किया कोई ओमिशन कर दिया अपनी ड्यूटी यानी कि उसने लॉ के डायरेक्शन को फॉलो नहीं किया लॉ के डायरेक्शन को लॉ को उसने नॉट कम्प्लाय उसकी कोई ड्यूटी थी उसने उसको फॉलो नहीं किया या फिर उसने करप्ट रिपोर्ट बनाई करप्ट रिपोर्ट है जो बनाई गवर्नमेंट डॉक्टर है अभी आपको ध्यान में वो एक मामला बड़ा चल रहा है वो केरल वाला जहां पे नन के साथ जो रेप हुआ था तो व्यक्ति जो है वो एक्विट हो गया तो उसमें बहुत कुछ चीजें हैं जो धीरे धीरे है जो घोषिप बन रहा है पूरा का पूरा मामला ही तो कई बार डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट के अंदर कोई गलत चीज आ जाए जान डॉक्टर ऐसा कर ले तो करप्ट रिपोर्ट बनाना वो डॉक्टर अगर पर जो है क्या है 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 क्या एक तरीके से मान लीजिए गवर्नमेंट डॉक्टर तो पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी के अंदर कवर हो जाता <coughs> या फिर आप जज हैं और आपने क्या कर रखा है कोई करप्ट जजमेंट करप्ट ऑर्डर वगैरह पास कर रखा है तो आप भी जो है वो बचोगे नहीं करप्ट ऑर्डर वगैरह आपने पास कर रखा है या फिर आपकी ड्यूटी थी किसी पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट करने की गिरफ्तार करने की आपने वो ड्यूटी कॉम्पलाइंस नहीं की जान के तो ऐसे कई सारे मामले आएंगे जो पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किए जा सकते हैं अभी पब्लिक सर्वेंट हो सकता है न्यायिक सेवा वाला जुडिशियल ऑफिसर हो जज हो या फिर अदर पर्सन हो या फिर क्या हो अदर पर्सन हो तो तीसरी जो कैटेगरी आती है पब्लिक सर्वेंट वाली अब देखो यहां पर आपको करनी है लिंकिंग लिंकिंग ये कहती है कि ये जो पोर्शन है ना ये पोर्शन पढ़ा जाना चाहिए किसके साथ में चैप्टर नाइन के साथ में पढ़ा जाना चाहिए यानी कि 161 से 171 वाला जो चैप्टर है उसके साथ आपको इसको पढ़ने की आवश्यकता है ठीक है इसके अलावा क्या बचता है अब सुन लीजिए तीन कैटेगरी हमारे साथ साथ में होगी पहली कैटेगरी कौन सी थी फॉल्स झूठ 191 से लेकर लगभग लगभग 211 तक आपके सामने ये कैटेगरी आएगी एक आधा को एकाधा पॉइंट जो है पीछे बच जाएगा वो भी कौन सा जैसे कोई डॉक्यूमेंट था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि उसको कोर्ट में पेश नहीं करें किसी डॉक्यूमेंट को हाइड कर दिया वगैरह वगैरह चीजें हमारे सामने रहती है ठीक है दूसरी कौन सी कैटेगरी आ गई हार्बर संशय देना एक तरीके से उसको आ, मतलब छुपाना कहीं पर हार्बर ठीक है तीसरा कौन सा कैटेगरी आ गया पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किए जाने वाले अपराध चौथी जो कैटेगरी है वो क्या है एक अदर पर्सन नॉन पर, जिसको गिरफ्तार किया जाना है या जिसके रिलेटिव को गिरफ्तार किया जाना है वहां पर कुछ बदमाशी मतलब जो है पब्लिक के द्वारा या पर्सन के द्वारा की जाए अब पुलिस मुझे गिरफ्तार करने आ रखी है मैं तुम मुझे जानते नहीं हो किसका बेटा हूं मैं तुम मुझे जानते नहीं हो क्या मैम मुझे हाथ लगा के तो दिखाओ ऐसा होता है ना कई बार फिल्मों के अंदर और प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी होता है तो आप पुलिस को एक तरीके से रेसिस्ट कर रहे हो आप उसमें अवरोध उत्पन्न कर रहे हो ताकि वो आपको गिरफ्तार है जो नहीं करे ठीक है तो ये मामला यहां पर क्या आता है अरेस्ट के संबंध में आप ऐसी कोई हरकत करते हो या फिर आपने कोई बॉन्ड भर के रखा है उस बंद पत्र की पालना नहीं कर रहे हो या फिर आपने जज की इंसल्ट कर दी या फिर आपको आप कन्विक्ट थे आपको रेमिशन का बेनिफिट दिया गया रेमिशन यानी कि सजा एक तरीके से माफ करना जैसा बेनिफिट दिया गया लेकिन आपने उस रेमिशन की परिहार बोलते हैं उसकी शर्तों का पालन नहीं किया तो ये मामला यहां पर बन जाएगा यानी कि चौथी जो कैटेगरी है उसको आप अदर कैटेगरी में डाल सकते हो है ना अदर कैटेगरी के अंदर है जो डाल सकते हो मेजर जो कैटेगरी वो आपको इस पर दिमाग लगाना है अब अदर कैटेगरी के अंदर आप पर आपके आ, 204 को आप कवर कर सकते हो टू जीरो टू को यहाँ पर कवर कर सकते हो आपके टू ट्वेंटी फोर को टू ट्वेंटी फाइव को टू ट्वेंटी फाइव बी को है ना और दो सो छबीस तो डिलीट हो रखा है दो सौ सत्ताइस से लेकर आपके टू ट्वेंटी नाइन ए तक इनको आप चौथी कैटेगरी में डिवाइड कर दीजिए तो मतलब कि आज के बाद आप जब भी इस चैप्टर को पढ़ो ना तो आप इस चैप्टर को एक पार्ट मत समझो आप इसको क्या करो आप इसको चार अलग अलग भागों में डिवाइड कर दो इसका फायदा क्या होगा फायदा ये होगा कि इस चैप्टर को आपको समझने में आसानी होगी अगर आप लोग ईमानदारी से कमेंट करो तो एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं सवाल यह है कि आप में से कई सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने इससे पहले भी जुडिशरी का एग्जामिनेशन फाइट कर रखा होगा और आप में से कई सारे पूरा पढ़ के नहीं गए अगर ईमानदारी से आप कमेंट्स में रिप्लाई करो तो मुझे बताओ मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं अगर सही कह रहा हूं तो बोलो यस काश यहां पर अन अकेडमी तरह एक पोल का ऑप्शन होता का ऑप्शन तो तुरंत प्रभाव से हम आपसे पूछते और आप जवाब भी दे देते कि सर और लगभग लगभग हमने तो, तो इसीलिए कह रहा हूं कई बार कुछ चीजें मुश्किल लगती है लेकिन वो जो मुश्किल अगर आपके लिए आसान हो जाए तो आपका बोनस मार्क्स क्रिएट करती है इस बात को हमेशा याद रख क्या करती है आपके लिए बोनस मार्क करती है तो आज अपन पूरा प्रयास करेंगे यहां पर भी और स्पेशल क्लास के अंदर भी कि इस पार्ट को हम बिल्कुल आसान है जो बना ले है। तो ये वाला सेगमेंट यहां तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा अब बढ़ते हैं अपन आगे वन बाय वन देखिए अब यहां पर पहले सेगमेंट को फर्स्ट सबसे पहले ले रहा हूं पहली कैटेगरी जो हमारे सामने आएगी वो है ये यानी कि फॉल्स वाली कैटेगरी को अपन डील है जो करते हैं देखिए आसान बनाना है तो आसान बनाने के लिए कॉन्सेप्ट को समझना है डायरेक्टली कई बार क्या होता है हम लोग बेरेक्ट के ऊपर टूट पड़ते हैं ना ऐसा मत करो ऐसा मत करो कई बार हम जाते हैं सीनियर के पास सर मुझे एक अच्छा वकील बनने के लिए क्या करना चाहिए बेटा पढ़ो एक डायलॉग फिक्स है सदियों से सीनियर्स जूनियर्स को सुनाते आ रहे विद डू रेस्पेक्ट टू तो द सीनियर बहुत दिल में सम्मान है हमेशा रहेगा बट फिर भी कई बार क्या जूनियर की एडवोकेसी करने के लिए बातें कहनी जरूरी होती है ठीक है तो अब वहां पर एक चीज फिक्स है बेरेक पढ़ो लेकिन कई बार क्या होता है बेरेक को पढ़ने से पहले एक चीज हमें थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है कि इसके अंदर आना है क्या वाला है क्या फंडा इसके अंदर है जो आएगा देखिए चलिए वन बाय बात करते हैं यहां पर क्या होगा सबसे पहले मैंने यहां पर वर्ड लिखा है आपके सामने फॉल्स तो इसी को समझते हैं फॉल्स के अंदर आपके सामने जो पहली कैटेगरी में ले रहा हूं वो है एविडेंस की वो क्या हो जाएगी एविडेंस की आपके सामने पहली कैटेगरी आ जाएगी ठीक अब फॉल्स एविडेंस देना यानी कि फॉल्स एविडेंस गिविंग या फॉल्स एविडेंस फैब्रिकेटिंग दो बातें आपके सामने आ रही है फॉल्स एविडेंस गिविंग और दूसरा फॉल्स एविडेंस गढ़ना यानी कि क्रिएट करना और एक कैटेगरी इसमें और आ जाएगी वो कैटेगरी आएगी फॉल्स एविडेंस को यूज करना ठीक है अब आज के बाद दो नहीं तीन कैटेगरी को दिमाग में रखिएगा Giving, fabricating और यूजिंग तीन कैटेगरी आपके सामने इस तरीके से आ रही है आप सभी लोग जानते हो कि इसको परिभाषित कर रखा है 191 के अंदर, इसको परिभाषित कर रखा है 192 के अंदर, और इसको परिभाषित तो नहीं कर रखा है इसका तो सीधा बोल दिया कि अगर आपने ये अपराध किया तो 196 के तहत आप पनिशमेंट वाला काम है जो करोगे ठीक है 191 और 192 इनमें जो चीजें दे रखी है उसकी पनिशमेंट के लिए इन्होंने एक नहीं दो नहीं तीन तीन सेक्शन प्रोवाइड कर रखे कितने तीन तीन सेक्शन जो है यहां पर प्रोवाइड इन्होंने कर रखे ठीक है चलिए अब आपको बताता हूं तीन बेसिकली क्या बात करना चाहते हैं जैसे बेसिक सजा की बात की जाए तो अगर आपने फॉल्स एविडेंस दिया है या फॉल्स एविडेंस फेब्रिकेट किया है तो बेसिक सजा आपको कहां पर मिलती है 193 के अंदर इसको मैं कह रहा हूं बेसिक पनिशमेंट बेसिक मतलब कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन नहीं है तो ठीक है उसके बाद में नाइनटी अब 194 एक ट्विस्ट क्रिएट करता है ये कहता है अगर आपने फॉल्स एविडेंस एक ऐसे अपराध का दिया है जिस अपराध में कैपिटल पनिशमेंट का प्रोविजन है तो अगर वो कैपिटल ऑफेंस का मामला है तो फिर आपको जो पनिशमेंट मिलेगी वो आपको यहां पर मिलेगी यानी कि आपने सामने वाले व्यक्ति को जिस अपराध के लिए आपने झूठा साक्ष्य दिया है फैब्रिकेट किया है इस तरह का अपराध है तुम और इसके अलावा कोई ऐसा अपराध जहां पर कैपिटल पनिशमेंट नहीं है लेकिन वहाँ पर क्या है वो इंक्लूड है इंक्लूड लाइफ इंप्रिजमेंट तो आपको यहां पर है जो सजा दी जा सकती है अब पता है से जो है ना वो बिल्कुल एकदम चतुर रामालिंगम की तरह क्या करेंगे इसकी पनिशमेंट भी साथ साथ में याद कर रहे हैं अभी मत करो अभी मत करो पनिशमेंट के लिए आपको आसान सा तरीका बताऊंगा मैं जहां से आप क्या कर सकते हो इन चीजों को इजी गोइंग के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हो तो वो भी चीज हमारे सामने आ जाएगी अभी उस पर दिमाग मत लगाओ ठीक है तो पर ये फंडा हमारे सामने आ रहा है अब आपको एक मजेदार बात बताता हूं मैं ताकि आपको पनिशमेंट याद करने की जब जरूरत पड़ेगी तो काम आसान हो जाएगा ये तीन चीजें हमारे सामने आ गई ये तीन चीजें यानी कि 193 बेसिक पनिशमेंट 193 बेसिक पनिशमेंट यहां पर कैपिटल वाले ऑफेंस के अंदर और वाले केस के अंदर तो अभी के लिए तो आप बस ये पांच सेक्शन याद कर लो अब आपके मन में वन नाइनटी फाइव ए की आ रही है तो उसको मैं थोड़ा साइड में रख लेता हूँ क्योंकि तो यहां पर धमकी देने का काम है जो हो रहा है क्या दी जा रही है धमकी है जो दी जा रही है कि आपको झूठा साक्ष्य देना ही देना है ठीक है उसको एक बार सेपरेटली पढ़ेंगे में <coughs> तो फटाफट फड़, 191 में गिविंग फॉल्स एविडेंस 192 में फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस 193 में बेसिक सजा 194 में कैपिटल ऑफेंस के लिए अगर आपने फॉल्स एविडेंस दिया फैब्रिकेट किया है तो उसकी सजा या कोई इंप्रिजमेंट कारावास वाले अपराध के लिए अगर आपने कोई फॉल्स एविडेंस दिया है या फेब्रिकेट किया है तो उसकी सजा 195 में और अगर आपने उसको यूज किया है तो अब आपको एक मजेदार बात बताए कि ये पनिशमेंट जो है ना कौन सी 193, 194, 195 ये तीनों बड़ी इंटरेस्टिंग है पूछो क्यों सर कैसे पूछे अरे कमेंट में पूछ लो ना क्यों तो इसका आंसर सुन लो आंसर ये है कि जब आप जब आप आप लोग लोग 198 पढ़ोगे पढ़ोगे 200 तो वहां पर पता है क्या लिखा हुआ है वहां पे लिखा हुआ है कि यहां पर पनिशमेंट ठीक वैसे ही होगी जैसे कि ये वाली पनिशमेंट है गिविंग फॉल्स एविडेंस या फेबिकेटिंग फॉल्स एविडेंस वाली पनिशमेंट है इन शॉर्ट अगर आपने इनकी पनिशमेंट को नहीं समझा तो मान के चलो कि आपको इन दोनों की पनिशमेंट भी समझ में नहीं आएगी ये दोनों प्राणी कौन है इनका नामकरण अपन कर लेते हैं ये प्राणी कहलाता है आपके जो फॉल्स सर्टिफिकेट देने का काम करता है है ना फॉल्स सर्टिफिकेट इश्यू करना या फिर एक तरीके से उसको जो है यूज करना सिमिलरली 200 के अंदर आप आएंगे तो यहां पर बात आती है डिक्लेरेशन की डिक्लेरेशन का यानी कि घोषणा वाला मामला वो आपके यहां पर है जो आ जाता है उनमें अलग बात है ही नहीं इन्हीं पॉइंट को उन्होंने क्या कर रखा है यूज कर रखा है सेम पनिशमेंट है जो दी जाएगी इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा यह मामला हमारे लिए जरूरी बन जाता है कि हम इसके पनिशमेंट के पॉइंट को कुछ हद तक ऑब्जर्व करें लेकिन उससे ऑब्जर्व करने से पहले आपको बेसिक बात है थोड़ा और समझना यहां पर हमारे पास में आया गिविंग फॉल्स एविडेंस फेब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस वगैरह तो जरा समझने की कोशिश करते हैं कि गिविंग फॉल्स एविडेंस होता क्या है ध्यान से सुनना दो बातें आपको अच्छे से ऑब्जर्व करनी है एक तो होता है, एक होता है एक्टर है ना आपका इंटेंशन गड़बड़ है, है और आपने कोई एक्ट किया है लीगली बाउंड का मतलब कानून कहता है कि भैया यू आर ड्यूटी बाउंड मान लीजिए शपथ किया है या फिर उसने लीगल लॉ के अंदर जो है प्रावधान है कि भैया सच बोलोगे सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे है ना

और वो अगर क्या करता है कोई फॉल्स स्टेटमेंट देता है फॉल्स स्टेटमेंट देता है तो वहां पर वो मामला किसमें चला जाएगा वो मामला आपके इसके अंदर चला जाएगा अच्छा अब लीगली बाउंड हो सकता है कैसे या तो वो ओथ से ओथ यानी कि शपथ से लीगली बाउंड हो या फिर वो किसी लॉ के प्रावधानों से लीगली बाउंड हो यह क्या हो गया था अच्छा ये ऑटोमेटिकली चलो अच्छी बात है जो होता है देखो इसे कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है ना हमें स्पेस चाहिए था ऑटोमेटिकली स्पेस बन गया इसीलिए आप भी अपनी लाइफ के अंदर तो थोड़ा सा अच्छा फील किया करो कभी कबार समाइम जिंदगी के अंदर कुछ चीजें लगती है कि ठीक हो रही है और वो ठीक होती है वो ठीक होती है इसलिए दिल छोटा नहीं करना तो ओथ शपथ पत्र या फिर लॉ के प्रावधानों के तहत या फिर आपने कोई घोषणा कर रखी है या फिर आपने कोई डिक्लेरेशन कर रखा है कि आपको सच बोलना है फिर भी आप क्या बोलते हो झूठ है जो बोलते हो अब ध्यान रखना यहाँ पर जो है नेताजी के भाषण इंक्लूड नहीं होते क्या नहीं होते नेताजी के जो भाषण होते हैं उनको शामिल नहीं किया जाता है क्यों नहीं किया जाता है क्योंकि नेताजी भाषण कहा देते हैं पब्लिक 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 के सामने और इज नॉट टू टेक एविडेंस है है ना जो वो आपके अंदर नहीं आती अच्छा इस अपराध को एक और नाम दिया जाता है अंग्रेजी का एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है ठीक है वही बात है झूठे साक्ष्य देना झूठी गवाही देना क्या बोलते हैं इसको झूठी गवाही देने के अपराध को पर्जरी है जो कहा जाता है ठीक है तो यहां पर ये कैटेगरी हमारे सामने आएगी और फैब्रिकेटिंग का मतलब क्या बन जाएगा фабри फैब्रिकेटिंग का मतलब सीधी सी बात है किस तरीके से आप क्या कर रहे हो उन चीजों को गढ़ रहे हो क्रिएट कर रहे हो ताकि वो भविष्य के अंदर क्या आ सके इस पर्पस के लिए इस्तेमाल है जो की जा सकते मतलब कोई परिस्थिति क्रिएट करना किसी का रिंग जो है उठा के कि किसी के पर्स में डाल देना ताकि पता चले कि वो व्यक्ति क्या है वो व्यक्ति चोर है है ना

बेसिकली पता है क्या होता है जनरली जो व्यक्ति फैब्रिकेट एविडेंस क्रिएट करता है वो ही कहीं भविष्य में जाके उसको यूज भी करता है ठीक है तो ये बातें हमारे सामने आ जाएगी इसको बोला जाता है एक तरीके से फॉल्स एविडेंस फैब्रिकेट है जो करना ठीक और यूज करने के बारे में आपको पता ही है जिस बंदे ने फैब्रिकेट नहीं किया है अगर वो उसको यूज करता है जिस बंदे ने फैब्रिकेट नहीं किया है उसने उसको यूज किया है तो उसको 196 के तहत क्या हो जाती है पनिशमेंट का प्रावधान एप्लीकेबल हो जाता है अब ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है अब आप चाहो तो इसको सीरियसनेस के साथ लो और चाहो तो इसको मजे से आसानी से याद करो बात इतनी सी आएगी एक 195 ए को यहां पर मैं छोड़ रहा हूं बाकी 191 से लेकर 200 तक के जो स्ट्रक्चर है ना वो सिर्फ 10-15 मिनट का काम काज है अब ये थोड़ा सा कहीं की रहता है कि बेरेट की भाषा को मैं आपके सामने एग्जैक्टली exactly अभी पढ़ के आ, सुनाने बैठूंगा तो हमारा काम पूरा इसी में निकल जाना है बट फिर भी बेसिक बात आपको माइंड के अंदर सेट हुई हा या ना ये मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में आंसर है जो दे दीजिए यहां तक का जो मामला है आपके कमेंट्स मुझे दिख भी रहे हैं बट फिर भी एक बार कंफर्मेशन देख लो कि यहां तक मामला ठीक है या नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर तो ये परजरी, एक बार निकालो जरा आईपीसी पी सी बेरेट खोलो थो, थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं फटाफट आ जाओ वन नाइनटी वन पे वन नाइनटी वन फिर से कह रहा हूं अभी अगर नहीं समझा तो रात को जो स्पेशल क्लास होने वाली उसके अंदर डमरू बच जाएगा समझ में ही नहीं आ पाएगा ठीक है चलिए 191 निकालो एक बार देखो क्या -क्या को है? है। तो परिभाषा कोई भी लीगली बाउंड है से या लॉ के प्रोविजन से या से अगर वो फॉल्स एविडेंस देता है तो स्टेटमेंट वर्बल भी हो सकता है अदरवाइज भी हो सकता है मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है, है ना किसी भी आपने बिलीव के संबंध में अंग्रेजी में पूरा गुपरा पढ़ लो या फिर जो मैंने बात की उसको एक बार रिपीट करके सुन लेना मेन मुद्दा वहीं पर हमारे सामने है जो आएगा फैब्रिकेट करना किसी एविडेंस को ठीक है लेकिन एक बात है फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस और फॉर्जरी उसमें क्या अंतर है फॉर्जरी वाला जो प्रोविजन आता है कौन सा चैप्टर रचना करना वहां पर भी अपन क्या करते हैं कुछ न कुछ ऐसा लगा देते हैं हैं और पर पर भी ऐसा करते वहां क्या है कि मामला मामला अभी तक तो कोर्ट कोर्ट में में नहीं नहीं आया है है वहां पर क्या है? मामला? में नहीं है। आपने किसी के साथ धोखाधड़ी करने के लिए डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है अब अगर फॉर्ज डॉक्यूमेंट को भी आप कोर्ट के सामने एविडेंस बना के पेश करोगे तो वो गिविंग फॉल्स एविडेंस में आ जाएगा ध्यान रखना ठीक है यानी कि फॉर्जरी अर्लियर स्टेज है क्या है सीधा एक लाइन का अंतर समझ लो फॉर्जरी अर्लियर स्टेज है पहले की स्टेज है है ना कोर्ट तक अभी तक मामला पहुंचा नहीं है उससे पहले ही आप बदमाशी कर रहे हो एक दूसरे के साथ में और यहां पर आप ऑफेंस अगेंस्ट जस्टिस यानी कि कोर्ट के मैटर में ऐसा कर रहे हो क्लियर है तो ये 192 लिंक विद सेक्शन 463 लिंक कर लेना और डिफरेंस भी समझ लेना अरे यही तो लिंकिंग का फायदा होता है एक साथ दो शॉट लगाए जा सकते हैं फिर पनिशमेंट दे रखी है आपको बेसिक पनिशमेंट सात साल अब यहां पर एक फंडा नया जुडिशियल प्रोसीडिंग का क्या होता है पब्लिक सर्वेंट दो तरह के होते हैं एक पब्लिक सर्वेंट जो क्या करता है जुडिशियल प्रोसीडिंग को डील करता है दूसरे पब्लिक सर्वेंट अदर प्रोसीडिंग को डील करता है तो यहाँ पर जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंदर सात साल की सजा मिलती है

माइनर कानून पढ़ते समय कई बार आपको यह लाइन सुनने को मिलेगी कि यह जो अथॉरिटी के सामने प्रोसेस होगी उसको हम लोग 193 के पर्पस के लिए जुडिशियल प्रोसीडिंग मानेंगे लाइन आपको मिलेगी जब आप माइनर एक्ट को पढ़ोगे तब ठीक है आगे बढ़ते हैं यहां पर 194 194 में 194 में दो पॉइंट है पहले तो क्या कहेगा अगर आपने ऐसा कोई भी अपराध किया तो लाइफ इंप्रिजनमेंट या दस साल की सजा हो सकती है जब कैपिटल का मामला है तो यहां पर क्या लिखा हुआ है पर लिखा हुआ है कि लाइफ इंप्रेजनमेंट लाइफ इंप्रेजनमेंट या फिर आपको 10 साल का रिग्रेस रीग्रेसमेंट मिल सकता है ठीक है? और अगर कोई इनोसेंट व्यक्ति मारा गया कोई बेगुना आपके कारण जो है कैपिटल पनिशमेंट ऑफेंस का शिकार बनता है तो सिचुएशन के अंदर फिर वहां पर आपको डेथ सेंटेंस ये तो ही जाएगी इसके साथ साथ प्लस करके लिख लेना डेथ सेंटेंस भी दी जा सकती है अगर बेगुना आपके कारण

जो लाइफ uh, इंप्रेजमेंट वाले अपराध के लिए कर रहा है ऐसा या किसी अदर इंप्रेजमेंट वाले अपराध के लिए कर रहा है तो उसको शेल बी पनिश्ड एज ऑफ ऑफेंस वुड बी लाइबल मतलब यहां पर पनिशमेंट नहीं दे रखी है अब आपको एक मजेदार बात बताता हूँ दिल खोलकर दिल नहीं दिल तो क्या खोलोगे कान खोलकर सुनना ठीक है सुनिए हाँ दिल खोल के तो मैं बता रहा हूं आप तो कान खोल के सुनो हमें आईपीसी की पर जो पनिशमेंट है वो याद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए यह सवाल कई बार हमारे मन में उछल कूद करता रहता है तो उसका आंसर सुन लो सारी पनिशमेंट याद हो सकती, नहीं सकती ना ही हमें करनी चाहिए लेकिन ऐसी पनिशमेंट जो अपने आप में फ्रैक्शन का, का काम करे जैसे एक बट्टा दो एक बट्टा चार ऐसी पनिशमेंट फ्रैक्शन वाली पनिशमेंट हो या फिर जहां पर आपको कोई कम नॉमिनल अमाउंट दे रखा है चौबीस घंटे की पनिशमेंट दो रुपए का फाइन ऐसी पनिशमेंट और या फिर वो जो कहती है कि यहां पर वही सजा मिलेगी जो वहां पर है यहां पर वही सजा मिलेगी जो वहां पर है ये थोड़ी जरूर आपको दिमाग में रखनी चाहिए ये बातें आपको दिमाग में रखनी चाहिए इस पॉइंट को आपको यहां पर नोट करना यानी कि इसमें कोई पनिशमेंट आपको दे ही नहीं रखी वन नाइनटी फाइव में ये कह रहा है कि जिस अपराध के लिए आपने फॉल्स एविडेंस दिया है उस अपराध में जो भी कन्विक्शन हुआ है ना उस कन्विक्शन जितनी सजा आपको वन नाइनटी फाइव में मिलेगी सपोज करो आपने क्या किया किसी व्यक्ति को चोरी के अपराध में फंसाने के लिए झूठा साक्ष्य दिया उसको वहां पर सजा होगी तीन साल की तो आपको भी 195 में तीन साल की सजा यहाँ पर मिलेगी ठीक है ये बात हमें अच्छे से ऑब्जर्व करना है ठीक है और कर लर्न कर क्यों रहे हो देखो कभी कभार कुछ चीजें याद करनी नहीं होती है याद हो जाती है दोनों में अंतर है दोनों के अंदर अंतर है वो आप एक फिल्मी फिल्मी डायलॉग नहीं मारते कई बार आपने देखा वो सलमान खान शाहरुख खानी पुरानी मूवी है कि मैं प्यार करता नहीं हूँ मुझे प्यार हो जाता है अरे बेवकूफ बना रहा है करना तो था ही लेकिन हमारे केस में हम बेवकूफ नहीं बना रहे हमारे केस में हम क्लियर कट कर बात करें हमें याद करना नहीं याद हो जाता है उस टेक्निक पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है ठीक है तो अब ये तीनों पनिशमेंट मेरे साथ साथ फटाफट याद कर लो और ये इसलिए याद करो ये इसलिए याद करो क्योंकि वापस यही चीज आपके 198 में काम आनी है यही चीज आपके 200 में काम आनी है तो यार एक ही पनिशमेंट अगर चार पांच जगह पे काम आ रही तो थो थोड़ा सा सोचने की जरूरत हमें पड़नी चाहिए ठीक है तो ये फंडा है अब इस डायग्राम को अपने तरीके से आप क्लियर कर देना एक बार मैं आपको वन ए की दुनिया में लेके चलता हूं और वहां पर छोटी सी बात लिखी हुई है वो क्या लिखा हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति को धमकी धमकी दी जाती है तो सिचुएशन में वहां पर क्या होगा तो कुछ नहीं है सात साल की सजा वहां पर होती है और अगर किसी इनोसेंट को फसाया जाता है किसी इनोसेंट व्यक्ति को फंसाया जाता है तो उस केस में क्या लिखा हुआ है सेम पनिशमेंट एंड सेंटेंस इन द सेम मैनर सेम पनिशमेंट सेम सेंटेंस ये नोट कर लेना ये शब्द कहीं पर भी आपको ये शब्द मिल जाए ना क्या सेम पनिशमेंट कहां लिखू मैं यहां लिख देता हूं देखिए सेम पनिशमेंट अगर आप आईपीसी का पीडीएफ linkinglaws.com वेबसाइट से डाउनलोड कर लोगे और फिर उस पीडीएफ के अंदर अगर आप सर्च करोगे क्या सर्च करोगे कि सेम पनिशमेंट कहां कहां है तो जहां जहां पर सेम पनिशमेंट आए उस पॉइंट को थोड़ा दिमाग में जरूर याद रखना ठीक है उस पॉइंट को जरूर दिमाग के अंदर याद रखिएगा ये फंडा क्लियर है बिल्कुल क्लियर है शहर शाहबाश कितने अच्छे और कितने प्यारे स्टूडेंट हो मतलब सीधा समझाते ही दिमाग के अंदर समझ लेते हो वाकई में सर्दी के लड्डू खा रहे हो मुझे ऐसा लग रहा है या फिर बादाम बादाम बहुत अच्छे खा रहे हो खैर चलिए आगे बढ़े यहाँ पर ये फंडा यहाँ पर हमारा 190 अब देखो ये समझ लो ना 198 और ये भी पीछे रह जाएगा देखो 197 में क्या कर रखा है कि अगर आप इस तरीके से इश्यू करते हो फॉल्स सर्टिफिकेट इश्यू करना फॉल्स सर्टिफिकेट यूज करना तो यहाँ पर आपके 198, 190, 197, 200, 199 सब में एक ही बात आ रही क्या सेम पनिशमेंट जैसा कि ऊपर दे रखा है ठीक अब इसको अब मुझे नहीं लगता ज्यादा एलोबेट करने की जरूरत है अब यहाँ पर इस स्टेज पर आपको यह समझाऊं कि सर्टिफिकेट क्या होता है तो ये तो मैं फिर आपकी तोहहीन कर दूंगा और आपको पता है कि आपकी तोहहीन तोहिन एक उर्दू का शब्द है वो ले तो बेजती ठीक है वो तो डायलॉग सुना ना गजब बेजती है वो वाला तो आपकी गजब बेजती करने का दुस्साहस मैं करूंगा नहीं यहाँ पर अब आ जाइए आप दो पर आ जाइए थोड़ा सा समझने की और अच्छे से कोशिश करना यहां तक सीपीयू काम कर रहा है हाँ या ना बताओ भाई यहाँ तक सीपीयू जो है मामला ठीक है कि नहीं है घी खा रहे हो अच्छी बात है घर में गाय वाय बांध के रखी है इसलिए घी खाने का सौभाग्य मिल रहा है बाकी तो यहाँ पर जो मामला है वो घी के अंदर तेल मिला मिला के खिला रहे है ना चलिए ओके अब बढ़ते हैं अपन देखिए दो सौ एक के अंदर आपका जो मेन स्त्र वो बड़ा एकदम क्लियर है मेन स्त्र क्लियर है वहां पर मेन स्त्र ये है कि आप कहीं कहीं जो है एक तरीके से उस व्यक्ति को बचाने के लिए किस व्यक्ति को जिस व्यक्ति को से गिरफ्तार किया जा सकता है उसको बचाने के लिए आप क्या कर रहे हो या तो कोई स्क्रीनिंग उसको छुपा रहे हो और या फिर पुलिस को जो एक तरीके से कोई झूठी जानकारी वगैरह आप दे रहे हो अगर आप 201 को पढ़ोगे ना 201 ऐसा सेक्शन है जो कई बार 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 इनफैक्ट इस्तेमाल है जो होता है गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन और एविडेंस डिसअपियर चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अपन इसको टू को थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर देते हैं ये हमारे सामने टू आया है ठीक है इसका उद्देश्य एकमात्र क्या है जो ऑफेंडर है अपराधी उसका प्रतिच्छादन करना इसको बोलते हैं स्क्रीन द ऑफेंडर स्क्रीन द ऑफेंडर अपराधी को एक तरीके से बचाना आप शॉर्टकट में समझ लो बचाना ठीक है और ऐसा करने के लिए ये तो इंटेंशन है ये तो क्या है मेन श्रिया है और ऐसा करने के लिए आप करते क्या हो आप दो में से कोई एक वाला एक्ट है जो करते हो है ना दो में से कोई एक वाला एक्ट वहां पर करोगे या तो आप एविडेंस को गायब करोगे एविडेंस को क्या करना डिसअपियर करना मारने के बाद डेड बॉडी को छुपा देना वो इसी तरह का अपराध आता है एविडेंस और या फिर क्या होता है आप झूठी इंफॉर्मेशन देते हो यानी कि फॉल्स इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं प्रोवाइड करते हो ताकि जो उसको गिरफ्तार करने आ रखा है वो एक तरीके से मतलब भ्रमित हो सके और उसको गिरफ्तार उफ्तार नहीं करे तो स्क्रीनिंग द ऑफेंडर ये मेन चीज है और इसके लिए ये बातें की जाती है अब हमारा क्या होता है हम लोग गलती से इसको इसके नाम से याद रखते हैं किसके नाम से

ये प्रोविजन आपको 212 को भी समझने में हेल्प करेगा 213 को भी समझने में हेल्प करेगा तो अगर ये नहीं समझा तो ध्यान रखना वो दोनों नाराज हो जाएंगे क्या कह रहा हूं मैं इनको नहीं समझा तो वो नाराज हो जाएंगे श्रीमती जी को राजी नहीं रखा तो साले नाराज हो जाएंगे साले साहब है ना बोले तो आ, ब्रदर इन लॉस उनकी बात यहां पर कर रहा हूं मैं तो दो और तेरह ये नाराज हो जाएंगे अगर आप इस पॉइंट को जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो नहीं समझाता अब आप डिसाइड कर लेना कि समझना है कि नहीं समझना है सर इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है डाउट नहीं है तो फिर आ जाओ लाइन पे देखो पहला होता है कि आपने जिस व्यक्ति को स्क्रीन किया है उसने कोई कैपिटल ऑफेंस वगैरह कर रखा है और उसको आपने स्क्रीन कर दिया या फिर उस व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है जिसके लिए लाइफ इंप्रिजनमेंट है जिसके लिए क्या है लाइफ इंप्रिजनमेंट है और या फिर जो है वहां पर दस साल तक की सजा है कितनी दस साल देखिए ऊपर वाला मामला यहां पर आपके सामने आ रहा है दस साल से प्लस लिख लेता हूं यहां पर आप समझ जाना ठीक है और या फिर कौन सा तीसरा मामला आ जाएगा तीसरा यानी कि अदर अदर देन अधर का मतलब क्या होगा दस साल से कम अदर का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर दस से कम यानी कि तीन सिचुएशन आपके सामने यहां पर आएगी अब इन्होंने जो ऑफेंस की कैटेगरी बना रखी है बस तीन कैटेगरी बना रखी है मेरे साथ साथ आपको याद हो ही जाएगा मैं उम्मीद कर रहा हूं ऐसा हम्म कैपिटल ऑफेंस एल आई टेन प्लस और अदर के अंदर टेन माइनस अब यहां पर जब हम 201 को पढ़ें तो इन्होंने सात साल तीन साल और एक बट्टा चार तीन शब्द लिखे हैं यहां पर कितने देखो यहां पर लिखा है सात साल की सजा है यहां पर तीन साल की सजा है और यहां पर लिखा है एक बट्टा चार और मैंने आपसे शुरुआत में क्या कहा था जहां पर ये फ्रैक्शन इसको मैं फ्रैक्शन कहता हूं ऐसे वर्ड आपको जहां कहीं भी मिले सजग हो जाओ सचेत हो जाओ ये ऐसी पनिशमेंट है जो एग्जाम के अंदर आपको दी जा सकती है एग्जाम में आपको दी जा सकती है एक अच्छा सवाल यहां पर से कोई कैंडिडेट पूछ रहा है कि सर ये स्क्रीनिंग जो है प्रतिच्छादन जो है वो हार्बरिंग की जैसा दिखाई दे रहा है हार्बरिंग यानी कि संशय के जैसा दिखाई दे रहा है तो दोनों में अंतर आएगा दोनों में यहां पर अंतर आएगा क्योंकि यहां पर वो उसके रहने खाने पीने की व्यवस्था नहीं कर रहा है ठीक है हार्बरिंग का मतलब क्या है खाना खिलाना सुबह शाम वगैरह उसका उसको तो फंडिंग उपलब्ध कराना वगैरह कि भाई तू से होटल में आराम से रह वगैरह वो हार्बरिंग होता है और एविडेंस कराना जैसे मालिक ने अपराध किया नौकर को बोला कि यार ये जो खून के दाग है वो मिटा दे फटाफट तो नौकर ने जो अपराध किया वो कौन सा किया दोस्तों एक क्या 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 नौकर ने हार्बरिंग की है ना लेकिन वो मालिक अपराध करने के बाद भाग के अपने दोस्त के पास चला जाता है और दोस्त के घर में रुक जाता है वहां पर क्या हुआ है? उसके जो दोस्त ने हार्बर किया इज दैट पॉइंट क्लियर वेरी गुड चलो तो पर साल तीन साल और एक बटा चार। एक बटा चार किसका लॉन्गेस्ट टर्म का जो भी मैक्सिमम सजा है उसका यहां पर पनिशमेंट हो सकता है तो सोचो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक व्यक्ति ने एक ऐसा अपराध किया जिसके लिए सजा कितनी है मान ली दस साल से कम की है सपोज करो रॉबरी की है रॉबरी में सजा कितनी होती है सात साल की होती है तो उसने रॉबरी किया रॉबरी करने के बाद में उसने जो भी उसके एविडेंस वगैरह थे उसको करने के लिए किसी व्यक्ति से कोई करवाया या फिर उसने खुद नहीं कर लिया तो सजा कितनी मिलेगी सात साल का एक बट्टा चार भाग जो भी होता है ठीक है ये वाला मामला अब आपको मैंने कहा था कि आपको इससे जोड़ना है, दो सौ बारह से और दो सौ तेरह से वो क्या कनेक्शन है आइए जरा दो और तेरह से ही पूछ लेते हैं फटाफट निकालो देखो मैंने आपसे ये कहा है कि दो तक सारा मामला फॉल्स 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 के अंदर आता है दोस्तों सौ बारह तेरह के अंदर हार्बर का ऑफिस है अभी मैंने आपको समझाया था हार्बर वाला अब दो सौ बारह और तेरह को देखो जरा आइए एक बार फटाफट आ जाओ भागते आ जाओ एकदम देखो जब भी आप YouTube पे क्लास कर, अटेंड करते हो ना तो एक सलाह दूंगा हालांकि मुझे पता है आप मानोगे तो नहीं लेकिन यार अगर हो सके ना तो थोड़ा बहुत कुछ खर्चा वर्चा करके यार वो कंप्यूटर वम्प्यूटर जैसा प्राणी है वो अपने घर पर जरूर रखो उससे क्या होता है कि बड़ी स्क्रीन पर अगर आप कोई चीज को ऑब्जर्व करते हो तो थोड़ा सा लिखने विकने में सहूलियत रहती है आपका जो एनर्जी लेवल बना रहता है हालांकि पढ़ने वाले मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं लेकिन शर्त एक मोबाइल को आप स्टैंड पे रखना हाथ में रख के मत पढ़ना यार ध्यान रखना हाथ में रख के पढ़ रहे हो तो मानना गड़बड़ है लॉन्ग टाइम सिटिंग नहीं हो पाती जब आप 212 को देखोगे तो यहां पर भी आपको कुछ ऐसा ही फरना दिखेगा कैपिटल ऑफेंस है या फिर आपके ऐसा ऑफेंस कर रखा है जहां पर 10 साल से ज्यादा का पनिशमेंट है या फिर 10 साल से कम का है तो देखो यहां पर पांच साल तीन साल वन फोर्थ वर्ड लिखा हुआ है है ना मतलब इसी चीज को इसको थोड़ा छोटा करें अपन कर लेते हैं है ना हम्म अब देखना इसको समझने की कोशिश थोड़ा कीजिएगा क्या हो गया हम्म ठीक है अब देखो यहां पर मैं आपके सामने लिख रहा हूं 212 212 ठीक सेम केस में यहां पर 212 का अगर आप हार्बर वाला अपराध करते हो तो सजा कितनी होगी हार्बर वाला अपराध करते हो तो यहां पर इन्होंने लिखा है पांच साल तीन साल और वन फोर्थ यानी कि पांच साल तीन साल और वन बाय फोर्थ दो तो सेम है एक थोड़ा सा अलग आ रखा है अब दो सौ को देखो दो सौ में क्या लिखा हुआ है वगैरह तो साल, साल दो, दो सो तेरा के तहत गिफ्ट वाला प्रोविजन आता है अच्छा गिफ्ट के अंदर भी तीन सेक्शन है गिफ्ट के अंदर भी तीन सेक्शन है ये शायद ये पॉइंट जो है ना अपनी शुरुआत में उसमें चार्ट में आया नहीं होगा ना तो एक तो होता है गिफ्ट लेना गिफ्ट देना दहेज लेना देना जैसे अपराध होता है ना वैसे वैसे आपके गिफ्ट लेना देना गिफ्ट किसके लिए बेसिकली आप इसको देखोगे ना थोड़ा सा ये मामला रिश्वत से आपको मिलता जुलता दिखाई देगा है ना ब्राइबरी जिसको कहा जाता है तो यहां पर क्या है कि अगर आप सपोज करो कोई भी गिफ्ट है जो लेते हो टेकिंग गिफ्ट टू स्क्रीन एन ऑफेंडर फ्रॉम पनिशमेंट ऑफेंडर को बचाने के लिए कोई गिफ्ट आप लेते हो तो 201 में क्या था आप ऑफेंडर को बचाने के लिए एविडेंस को गायब कर रहे हो या झूठी इंफॉर्मेशन दे रहे हो और यहां पर आप क्या कर रहे हो कोई गिफ्ट वगैरह है जो ले रहे हो तुम तो। अब ये मामला बेसिकली कहां आएगा कौन गिफ्ट लेगा ऐसा पब्लिक सर्वेंट और और तो कौन लेगा और किसी को गिफ्ट क्यों दिया जाएगा पुलिस आई गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को पता तो चल गया कि छुपा हुआ है वो कहता है देख लो गिरफ्तार कर लूंगा नहीं तो कुछ लेके दे के मामला सल्टा दो तो टेकिंग गिफ्ट दो सौ के अंदर यहाँ पर आपके सामने मसला आ रहा है स्क्रीन द ऑफेंडर और सिमिलरली 214 के अंदर यहाँ पर भी आप ऑफर गिफ्ट कर रहे हो किसी प्रॉपर्टी को रिस्टोर कराने के लिए मान लीजिए प्रॉपर्टी फोर हो रखा था उसको वापस पुनः स्थापित कराना है तो चलिए मैं जब 213 की बात कर रहा हूं 213 के अंदर आपके सामने यह प्रोविजन आएगा सात साल तीन साल और वन बाई ठीक है इन शॉर्ट आप ये भी लिख सकते हो यहां पर इन दोनों प्रोविजन की जगह पर इन दोनों प्रोविजन की जगह पर आप यह भी लिख सकते हो क्या डू डू और डू मैं सच बताऊं ना

ऐसा होना जरूरी है होता है होता है है कि नहीं आप लोगों के साथ भी होता ही होगा है 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 ना अपवाद तो 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 आप आप नहीं नहीं एलियन इसी तो है है तो इसी देश के इसी के धरती तो प्राणी लोगों को भी अच्छा लगता ही होगा जब शॉर्टकट के अंदर कोई चीज वहां पर हो जाती है तो बट एक चीज ध्यान रखना ये डू डा डी डी है ना ये एग्जाम में मत कर देना एग्जाम में कर दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि उसको पसंद नहीं है किसको कॉपी चेक करने वाले को डू डू पसंद नहीं है फिर वो आपका डूडा कर देगा समझ रहे हो फिर मामले में जीरो जीरो कर कर आके छोड़ देगा ये नहीं करना है ये चार्ट बहुत ही प्यारा है बहुत ही कीमती है और मैं आपको बता रहा हूं एकदम हैंड टू तो हैंड बना है और ये मार्केट में अभी तक लॉन्च ही नहीं हुआ है यहां तक कि जो हमारी प्लस क्लासेज है ना उसके अंदर भी आज तक मैंने ये डायग्राम नहीं बनाया है आप मान के चलना कि आपके प्रति प्यार स्ने इतना सारा है कि आज पहली बार इस डायग्राम को लॉन्च किया गया है ठीक है सर ऐसा है क्या आराम से बैठ के देखना इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें हैं जो मिलेगी नाउ आगे बढ़ते हैं पर नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे सामने क्या आ जाएगा तो ये आपके एक तरीके से सिंपल सा फंडा है वो करने वाला बाकी के जो पॉइंट है ना वो आपको इतना परेशान नहीं करेंगे बाकी के जो पॉइंट है वो आपको इतना परेशान है जो नहीं करने वाले क्यों नहीं करने वाले छोटी छोटी बातें लिखी है वहां पर जैसे नो इन्फॉर्मेशन का फंडा आ गया नो इन्फॉर्मेशन फॉल्स इन्फॉर्मेशन आप कहीं पर ड्यूटी बाउंड थे इन्फॉर्मेशन देने के लिए लेकिन आप जानकारी नहीं दे रहे हो फॉल्स सॉरी नो जानकारी मिथ्या देना 203 के अंदर फॉल्स तीन आप क्या कर रहे हो किसी भी चीज को हाइड कर रहे हो डेस्ट्रॉय कर रहे हो ताकि उसको एविडेंस के रूप में पेश नहीं किया जाए ताकि उसको एविडेंस के रूप में पेश नहीं किया जाए दो सो में फॉल्स परसोनेशन करना तो ये जो मसला है वो आपके किस में चला जाएगा एक तरीके से अब यहां पर है ना आप तो इनके नाम भी लिख दोगे ना तो भी बहुत है उससे ये वैसे ही खुश हो जाएगा देखो 202 इसको बोलो नो no इन्फॉर्मेशन 203 इसको कहो फॉल्स इंफॉर्मेशन देखो कई बार है ना कुछ चीजों को याद रखने के लिए कुछ की याद करने पड़ता है और फिर उनको मेडिटेशन करते समय आपको आसानी मिलती है नो इन्फॉर्मेशन फॉल्स इंफॉर्मेशन 204 के अंदर आप क्या कर रहे हो उसको एक तरीके से हाइड कर रहे हो, है ना? सीक्रेट कर रहे हो या फिर उसको एक तरीके से डिस्ट्रॉय ताकि उसको कोर्ट में पेश नहीं किया जा सके होता है ना कई बार कि मतलब एक्सटर्नल अफेयर से कुछ प्रेम पत्र होते हैं कुछ व्हाट्सएप के चैट होते हैं जैसे मान लो वाइफ ने कहा था भाई तुम्हारा मोबाइल दिखाओ तो अब वो बंदा कहता है कि मुझे दो मिनट दो फिर दो मिनट के अंदर बाथरूम में वॉशरूम में जाएगा और वहां पर फटाफट व्हाट्सअप चैट डिलीट टेलीग्राम चैट डिलीट इंस्टाग्राम चैट डिलीट फेसबुक आके बोलेगा हाँ देख तो लो ये मोबाइल चाहिए हो आप क्या कर रहे हो ताकि वो एविडेंस जो है पेश नहीं किए जा सके ठीक है तो ये मामला यहां पर आता है दो के अंदर 205 के अंदर आप फॉल्स परसोनेशन करते हो जिसको 229 के साथ पढ़ा जाता है फॉल्स परसोनेशन करना हालांकि मैं आपको बता दू परसोनेशन के संबंध में जितने भी अपराध हैं प्रतिरूपण के संबंध में जितने भी अपराध हैं उन सारे अपराधों को क्या करना चाहिए साथ साथ में पढ़ना चाहिए साथ साथ में पढ़ना चाहिए चाहे वो आपके दो सौ चार सो वाला बात हो चीटिंग बाय परसोनेशन जिसकी पनिशमेंट आपको फोर के अंदर दे रखी है है ना वो सारा का सारा मसला आपको वहां पर है जो मिलेगा ठीक है फॉल्स पर्सोनेशन टू के साथ कनेक्ट होता है इसके बाद में आपके सामने इसको थोड़ा सा साइड में लेकर आ जाते हैं हाँ जी यहाँ पर इसके बाद में आपके सामने जो ऑफेंस आएंगे वो कौन से आ जाएंगे जैसे देखो अब ये एक साथ पढ़ना ये एक साथ ऑब्जर्व करना 206, 206, 207, 208, 209, 210 और 211. सर के एग्जांपल बड़े खतरनाक होते हैं। अरे उस पे क्यों फोकस कर रहे हो आप? आपको ये चीज समझ में आ रही है ना जिस एग्जाम्पल से चीजें समझ में आए मैं तो ये मानता हूं कि वो एग्जाम्पल हमारे लिए अच्छा है वो एग्जाम्पल हमारे लिए अच्छा है है ना चलो भाई आप अपना एक्सपीरियंस तो नहीं शेयर यही प्रॉब्लम है यही सबसे बड़ी दुविधा है ध्यान रखना मतलब कोई भी व्यक्ति अगर कुछ बात बता दे तो पक्का इसके साथ ऐसा ऐसा कुछ कुछ हो रहा होगा अरे बाहर निकलो हम चाणक्य के, के भगत हैं किसके चाणक्य के, के जिसने कहा था कि दूसरों के एक्सपीरियंस से दूसरों के ज्ञान से दूसरों की गलतियों से सीखो हर चीज खुद पर अप्लाई करने की जरूरत जो है नहीं होती है ठीक है चलो भाई वापस तो आ जाते हैं यहां पर नेक्स्ट पॉइंट पे तो 206, 207। अब इन पॉइंट्स के अंदर क्या आएगा ध्यान से देखिएगा यहां पर आपके सामने आएगा 206 के अंदर जैसे आपने प्रॉपर्टी को फॉल्स रिमूव किया फॉल्स रिमूवल फॉल्स रिमूवल एक दूसरे का अनादर नहीं करना चाहिए ध्यान रखो एक दूसरे का सम्मान करो हर इंसान अपने आप में एक यूनिक स्टेटस रखता है कभी भी शब्दों से है ना ना तो कमेंट्स में ना पर्सनल लाइफ के अंदर किसी का भी हमें अपमान नहीं करना चाहिए ठीक है चलिए फॉल्स रिमूवल किसका प्रॉपर्टी का समझदार को इशारा कोई समझ जाते हो अपने आप में और क्या चाहिए होता है है ना फॉल्स रिमूव यानी कि आपने प्रॉपर्टी को इसलिए रिमूव कर दिया ताकि उसको सीज नहीं किया जा सके ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं यहां पर नेक्स्ट कौन सा पॉइंट आ जाएगा फॉल्स रिमूव का मतलब समझा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि भाई ये मार्कर मेरे पास में इस मार्कर को मैं यहां से लेकर दूसरी जगह पर लेकर चला गया ठीक उसके बाद में फॉल्स फॉल्स क्लेम क्लेम ताकि प्रॉपर्टी को सीज होने से बचाया जा सके ये वाला मामला भी आपके क्या जाएगा इसी के अंदर है जो कवर्ड है जो होता है ये पूरी की पूरी रेंज है ना जैसे आपको पता है झूठा आरोप लगाना तो यह आपके झूठा आरोप लगाने का जो मामला है वो यहां पर आपके सामने आता है ठीक है उसके बाद में फ्रॉडलैंड डिक्री की डिक्री फ्रॉडलैंड डिक्री अगेंस्ट में मतलब खुद के विरुद्ध अब इस पॉइंट को थोड़ा समझने और जानने की कोशिश अच्छे से कीजिएगा देखो कई बार क्या होता है कि मान लीजिए मेरे से कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है छह सात लाख रुपए मांगता है सात लाख रुपए मांगता है मेरे पास टोटल जो है वो कितनी है पांच लाख की प्रॉपर्टी पड़ी है मैं ये सोचता हूँ बंदा मेरे से केस अगर जीत गया तो मेरा सारा का सारा पैसा लेके चला जाएगा अब मैं क्या करता हूँ किसी तीसरे पर्सन को पकड़ता हूँ और उसको बोलता हूँ एक काम कर तू तो मेरे खिलाफ केस फाइल कर दे मैं एडमिट कर दूंगा कि हाँ तू मुझसे पैसे मांगता है एडमिट कर दूंगा और पांच लाख मान लो उसमें कह क्या पांच लाख रुपये लेके चले जाना और मुझे बाद में इसमें से तीन चार लाख रुपए दे देना तो आपने जान बुझ कर अपने खिलाफ एक डिक्री करवाई ताकि आप किसी और के साथ क्या कर सको धोखाधड़ी है जो कर सको ठीक है ये वाला मामला वहां पर आ जाएगा ठीक है तो इसके अंदर फ्रॉडलैंड डिक्री का मसला आ जाएगा टू जीरो एट के तहत देन आफ्टर आगे देखते हैं यहां पर टू जीरो नाइन के अंदर क्या होगा यहां पर टू जीरो नाइन में आप क्या करते हो फॉल्स क्लेम करते हो किसी पर्सन को इंजरी पहुंचाने के लिए फॉल्स क्लेम ये देखो ये सारे की वर्ड है तो की वर्ड को याद रखोगे तो आसानी से चीजें क्लियर हो जाएगी किसी पर्सन को इंजरी पहुंचाने के लिए आप क्या कर रहे हो फॉल्स है जो क्लेम कर रहे हो और 210 में क्या आएगा 210 में यहां पर ये फ्रॉडलैंड डिक्री थी अगेंस्ट में यहां पर भी आप क्या करते हो कोर्ट में धोखाधड़ी से फ्रॉडलैंड तरीके से कोई डिक्री प्राप्त कर लेते हो और वो अपने फेवर की डिक्री होती है क्या होती है आपके फेवर की है जो डिक्री होती है तो इस तरीके से हमारे सामने ये सिचुएशन जो है आएगी पहला पॉइंट दो सौ छह दो सो सात दो सौ आठ नौ दस ग्यारह ठीक है और यहां पर हमें इसको ऑब्जर्व करना है पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट तीसरा चौथा पांचवा ये नोट कर लेना अच्छे तरीके से और इसका एक डायग्रामेटिक चार्ट बनाकर अपने आईपीसी के अंदर चिपका देना देखो मैं जानता हूं मैं यहाँ पर लैंग्वेज को नहीं पढ़ पा रहा हूँ बेरेट का लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि कॉन्सेप्ट जो है वो आपके माइंड में एंटर कर जाएगा ठीक है सर आपके कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए सर तो बातचीत बातचीत करनी है तो उसके लिए काम आ जाएंगे देखो सीधा सा तरीका बताता हूँ एक लिंकिंग लॉस टेलीग्राम का चैनल हमारा बना हुआ है लिंकिंग लॉस तनसुख सर करके जिसमें लगभग बारह तेरह हजार जो है अपने मेंबर्स हैं आप टेलीग्राम पे जाके सिंपली सर्च करना लिंकिंग लॉस तनसुक सर करके वहां पर वो दिख जाएगा उसको ज्वाइन कर लो आप ज्वाइन करने के बाद जब मेंबर्स की लिस्ट देखोगे तो उसमें आपको मेरी प्रोफाइल दिख जाएगी हंसता हुआ चेहरा वहां पर आपको मिलेगा उसके अंदर आप पर्सनल मैसेज करोगे तो वो डायरेक्टली कहीं कहेंगी मेरे पास ही आएगा और भेजने के बाद थोड़ा सा धैर्य जरूर रखना मैं वहां पर आपको रिवर्ट है जो करूंगा या मेरी सपोर्ट टीम जो आपको रिवर्ट करेगी और इस तरीके से आपके और हमारे बीच में वार्तालाप यानी कि कन्वर्सेशन जो है वो स्टाब्लिश हो जाएगा याद रह जाएगा तरीका बिल्कुल याद रह जाएगा वेरी गुड हरी थोड़ा पानी पी लें इजाजत हो तो सर ऐसा हो सकता है कि हम आपको इजाजत नहीं दें हाँ ये बात तो है मना कभी नहीं करते और ये तो आपकी सबसे अच्छी बात है चलो भाई रुके न तू झुके न तू चला चले अतीत के प्रमाण से भविष्य के निर्माण तक तो अब हमारे सामने ये वाला गया मतलब इस तरीके से आप इनको याद कर लीजिएगा अच्छा एक मजेदार बात तो मैंने आपको बताई नहीं वो कौन सी आपके 206 से लेकर 211 की पनिशमेंट कौन याद करेगा मैं याद करवाता हूं ना कुछ नहीं करना है एक फिगर याद कर लेना दो साल कितना दो साल बस इन सभी के अंदर आपको कहीं ना कहीं जो है दो साल की पनिशमेंट मिलेगी आपके बेसिकली तो 203 से लेकर 211 में भी है 203 से लेकर 211 में भी आपको मोस्ट ऑफ आप जो है दो साल की पनिशमेंट मिलेगी तो इस पॉइंट को डबल टिक लगा दो ताकि आसान हो जाएगा आपका काम ठीक है ये लिख ना अच्छा एक ब्रह्म ज्ञान और सुन लो ये जो आपका चैप्टर इलेवन है ना इस चैप्टर इलेवन के अंदर इस चैप्टर 11 के अंदर क्या है कि मोस्ट ऑफ जो ऑफेंस है वो बेलेबल है कैसे अपराध है बेलेबल कैटेगरी के अपराध है ये जाके आप क्रॉस चेक कर लेना थोड़ा सा मेहनत है जो करना वहां पर मोस्ट ऑफ अपराध आपको जमानती प्रवृत्ति के हैं जो मिलेंगे मतलब कि कि क्या हुआ कि आप एक्सेप्शनली अगर देखोगे तो बड़ी मुश्किल से आपको सात या आठ ऐसे अपराध मिलेंगे जो नॉन अवेलेबल है अगर आईपीसी के किसी चैप्टर के अंदर मोस्ट ऑफ अपराध अवेलेबल होते हैं तो अवेलेबल अपराधों की लिस्ट याद मत करो नेगेटिव तरीका अप्लाई करो वहां पर आप क्या करो वहां पर आप जाके उन अपराधों को देखो जो नॉन वेलीबल की कैटेगरी के अंदर दिख रहे हैं ठीक है ये आपको अच्छे तरीके दिमाग लगाना है एक और चीज इसी कैटेगरी में आपके 45 अपराध में से मोस्ट ऑफ अपराध जो है वो नॉन कॉग्निजेबल है असंघे अपराध है तो आप जो है उन अपराधों को याद करने की कोशिश करो जो कि अपने आप में क्या है कॉग्निजेबल है तो ऑटोमेटिकली आपको सीआरपीसी का वो शेड्यूल जो है वो थोड़ा थोड़ा याद हो जाएगा सारा एक साथ तो कर नहीं सकते ये बात थोड़ा सा आपको दिमाग के अंदर है जो रखना है नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं अब देखो ये हार्बर और गिफ्ट वाले प्रावधान बड़े आसान से इनमें ज्यादा अपन दिमाग नहीं लगाते हैं आते है, पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किए जाने वाले अपराधों की लिस्ट में पब्लिक सर्वेंट जो अपराध करता है उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना अच्छे से समझना यहां पर एक छोटा सा डायग्राम और बना रहा हूं देखिए पब्लिक सर्वेंट जो होता है ना पब्लिक सर्वेंट हमारी आईपीसी का लगभग लगभग बीस प्रतिशत हिस्सा जो है ना उससे ज्यादा कर रखा है और सीआरपीसी भी, देखोगे, तो वहाँ पर भी इसका बहुत बड़ा रोल जो है, वो मिलता है। अब पब्लिक सर्वेंट के द्वारा जो अपराध इस चैप्टर 11 में चैप्टर 11 के अंदर हो रखा है उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे एक प्रोसीजर के संबंध में और दूसरा अरेस्ट के संबंध में ठीक है दो कैटेगरी यहां पर बना रहा हूं मैं पहला कौन सा होगा अरेस्ट के बारे में उन लोगों को जाकर कहो जो ये कहते हैं कि कानून जो है उसका डायग्राम नहीं बनता है सब बनते हैं हमें बनाना पड़ता है ठीक है अरेस्ट को उधर डालते अरेस्ट को उधर डालते हैं यहां पर अपन डालते हैं प्रोसीडिंग प्रोसीडिंग के संबंध में और यहां पर आपके आ जाएगा अरेस्ट के संबंध में ठीक है दो बातें यहां पर आपके सामने आएगी जब आप पढ़ेंगे इस प्रावधान को कि अगर किसी पर्सन को बचाने के लिए या किसी प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए किसी पब्लिक सर्वेंट ने कानून की नॉन कॉम्पलाइंस की है लॉ का नॉन कॉम्पलाइंस किया है तो वो मामला बनता है 217 का है ना यानी कि किसी पर्सन को सेव करना सेव पर्सन या प्रॉपर्टी किसी भी व्यक्ति को बचाना या किसी प्रॉपर्टी को सीज होने से बचाना उसके लिए किसी पब्लिक सर्वेंट ने कानून की नॉन की है 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 जरा एक बार दो का का देखो तो देखिए क्या लिखा हुआ यहाँ पर? यहां पर लिखा हुआ हुआ तो पर पर पब्लिक सर्वेंट डायरेक्शन ऑफ लॉ इंटेंट टू सेव पर्सन फ्रॉम फ्रॉम पनिशमेंट और प्रॉपर्टी अगर कॉम्प्लाइस किया, उसने इस पर्पस के लिए कानून को क्या किया? तो उसने कौन सा अपराध किया उसने यहाँ पर अपराध कर रखा है टू वन सेवन का ठीक है और इसी परपज के लिए सेम परपज किसी पर्सन को बचाना या किसी प्रॉपर्टी को सीज होने से बचाना इसके लिए अगर उसने कोई इनकरेक्ट रिकॉर्ड फ्रेम किया है कोई गलत अभिलेख तैयार किया है इनकरेक्ट रिकॉर्ड अगर तैयार किया है तो उसने वहां पर कौन सी पनिशमेंट कर रखी है उसने वहां पर जो है 218 का अपराध वहां पर किया है दो 217 सत्रह अठारह देख रहे हो आप इन दोनों के बीच में एक गहरा संबंध भी है दोनों का जो मेन श्रिया है मेन श्रिया कहलाएगा दोनों का सेम है दो सो सत्रह का भी और दो अठारह का भी याद रह जाएगा ये बिल्कुल बहुत बढ़िया चलो भाई सेव एनी पर्सन या सेव एनी प्रॉपर्टी तो ये आपके 217 और 218 का मामला है जो बनेगा ठीक है अब 217 हो या आपके 218 हो एक में दो साल की सजा मिल रही है एक में तीन साल की सजा मिल रही है सजाएं बाद में याद करेंगे 219 पर आ जाओ पब्लिक सर्वेंट जो कि जुडिशियल प्रोसीडिंग में डील कर रहा है कि जज अगर वो करप्टली रिपोर्ट बनाए अंदर क्या लिखा हुआ है डिसीजन जो उसको पता है कि वो गलत है तो ऐसे फिर वहां पर क्या मिल जाती है उसको सात साल की सजा मिलती है देखो ध्यान से देखना यहां पर सजा कितनी है दो साल सजा बढ़ती जा रही है यहां पर तीन साल और ये तरीके का अपराध करने वाला बंदा जो है अगर जज है जुडिशियल ऑफिसर है मतलब एक तरीके से इनकरेक्ट कोई उसने ऑर्डर पास कर दिया कोई उसने डिसीजन दे दिया है ना एक्सेट्रा तो वहां पर क्या होती है उसके द्वारा जो अपराध किया गया है वो कौन सा अपराध कहलाएगा लाएगा दो का अपराध है जो कहलाएगा टू का और यहाँ पर सजा कितनी है दो साल तीन साल यहाँ पर सात साल ठीक तो ये प्रोविजन जो है वो प्योरली किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है जज के ऊपर अप्लाई होता है ध्यान रखना और 219 अपने आप हाँ में बहुत कॉमन चीज है प्रैक्टिकली इसको कई बार देखा गया है खासकर ऐसे मामले जहां पर जज पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है ना वहां पर 219 की संभावनाएं बनती ही बनती ऐसा अक्सर जनरली देखा जाता है ठीक है अगला देखो यहां पर कौन सा पॉइंट आ जाएगा देखिए फिर भी उसको के बाद जेल में डाल देते हैं ऐसा कुछ होता है या फिर कोई जज है जो किसी व्यक्ति को कमिट कर रहा है जबकि उसको कमिट नहीं करना चाहिए किसी कस्टडी के अंदर तो आपके साथ द्वारा 220 का अपराध है जो किया गया है यहां पर ये जो अपराध है ना देखा जाए तो कहीं कहीं अरेस्ट के प्रावधानों से डील करता है यानी कि 220 जो है वो प्रोसीडिंग से जुड़ा हुआ भी है और अरेस्ट के प्रावधानों से भी जुड़ा हुआ है अभी तक हम लोग चार अपराधों के बारे में बात करें तीन सौ पहला दूसरा तीसरा और एक यहां पर और अपराध आता है जिसका कनेक्शन दो इससे भी है प्रोसीडिंग से भी है और इसी का कनेक्शन यहां से भी है अगर आप किसी नाम में किसी पर्सन को जबरदस्ती अरेस्ट कर रखा है या कमिट कर रखा है कस्टडी के अंदर तो बात अगर कमिट की की जाए तो प्रोसीडिंग के संबंध में मामला आ जाएगा और बात अगर अरेस्ट की, की जाए तो मामला दूसरी वाली कैटेगरी में आ जाएगा पढ़ क्या रहे हम हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि भाई जो लोक सेवक है वो इस चैप्टर में कैसे कैसे अपराध करता है उसके बारे में ऑब्जर्वेशन यहाँ पर अपन डील है जो कर रहे हैं अच्छा इसी बीच आपको मैं दो तीन बातें और बताना चाहूंगा जुडिशरी वर्ल्ड क्या नाम है जुडिशरी वर्ल्ड वहां पर जो है एंट्री हो रही है किसकी शुभम उपाध्याय सर की शुभम उपाध्याय सर जो पहले कहीं की एक रिनाउंड प्लेटफॉर्म था जुडिशरी गोल्ड है ना वहां से जो है के साथ अभी जुड़ चुके हैं और उनकी जो क्लासेस हैं वो आपके लिए आने वाली है बाउंस बैक कर रहे हैं वो ऑब्वियस सी बात है वन ऑफ द एनर्जेटिक पर्सन तो आप जाकर जुडिश्री वर्ल्ड पर अभी आठ बजे एट ओ क्लॉक उनका एक स्पेशल एपिसोड भी होगा एट ओ क्लॉक से पहले हम लोग इस क्लास को जो है क्या करेंगे फिनिश करेंगे तो आप जाके उनसे मिल सकते हैं उनसे मुलाकात है जो कर सकते हैं एट पी पर ध्यान रखना जुडिश्री वर्ल्ड जो एक नया चैनल है यूट्यूब का वहां पर जो है आपके सुबह उपाध्याय सर उर्फ जीतू भैया जो है आपको मिलेंगे वहां पर बड़ा इनका अंदाज थोड़ा सा एकदम गाने वाने के जरिए पढ़ाने वाने का तरीका होता है मतलब हरफन मोला टाइप का जो फंडा है वो आपको वहां पर देखने को मिलेगा तो बिल्कुल देखो भैया ज्ञान की गंगा है जहां बहे वहां पर अमृत को हमें ग्रहण करना चाहिए इसमें कोई नुकसान कभी नहीं होगा लेकिन नाइन ओ क्लॉक जो है ना स्पेशल क्लास के लिए आ जाएगा नाइन ओ क्लास के लिए आ जाइएगा और यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दू है ना यहाँ पर आपको एक चीज में और बता देता हूं कि ये जो चीज है मतलब शुभम पदया जो सर है वो तो आपको डील विल कराने वाली है और येडमी का पार्ट है देखो आप चाहे लिंकिंग लॉ के जरिए जुड़े हो आप बाकी के जो एजुकेटर हैं उनकी क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो ये एक तरीके से स्पेशल पार्ट है जो रहता है ओके अब अगर शुभ उपाध्याय सर को भी पढ़ना हो या तनसुख सर को भी पढ़ना हो अनिल खन्ना सर को भी पढ़ना हो फैजान खान सर को भी पढ़ना हो तो उन सबके लिए आपको कोई अलग अलग सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं लेना है क्या करना है एक ही प्लान के अंदर सब कुछ सारे एक ही अम्ब्रेला के अंदर आ जाएंगे ठीक तो अब उनका ज्ञान भी आप लोग बना देगा ये कहीं अपने लिए एक अच्छी बात रहेगा आपके पास दो ऑप्शन तो है ही आइकोनिक और प्लस वाले

जिनका माइंड सेट है आप मान के चलो आपके पास तीन चार महीनों का अच्छा समय है बढ़िया से प्रिपरेशन करनी चाहिए रेगुलर तरीके से प्रिपरेशन जो है करनी चाहिए है ना तो ये बात आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल टाइप का रहेगा तो अगर प्रॉपरली तैयारी करना चाहते हो तो बहुत जरूरी है जज बनने के लिए बाकी अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम तो ऐसे ही कर लेंगे तो कीजिए लेकिन ध्यान रखना युवा अवस्था के साथ में कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल मत कीजिएगा तो आपके साथ कई सारे ये बेनिफिट तो रहेंगे ही रहेंगे हाँ एक चीज है लिंकिंग लॉ से जुड़ने के कुछ बेनिफिट आपको स्पेशल प्रिविलेज में मिलने वाले हैं अगर आप कभी भी ज्वाइन करेंगे लिंकिंग के साथ तो ध्यान रखना लिंकिंग कॉम पर एक स्पेशल प्रिविलेज स्टार्ट होगा स्पेशल प्रिविलेज स्टार्ट होगा और वो उन कैंडिडेट्स को मिलेगा जो कहीं कहीं लिंकिंग लॉ यानी कि लिंकिंग कोड के जरिए एंट्री कर रहे हैं ताकि उनके साथ हमारा रेगुलर टच बना सके अभी लास्ट टाइम 12 जनवरी को हम लोगों ने एक हंड्रेड uh, कैंडिडेट के साथ में वेबिनार किया था दिल खुश हो गया था मतलब खून बढ़ गया था एक किलो एक्स्ट्रा है ना वैसा का वैसा फंडा हो सकता है कल संडे को भी अपन प्लान करें तो आप लिंकिंग लो, तंसुक सर के टेलीग्राम चैनल से तो जुड़े हुए रहिएगा और जज की तैयारी करनी है तो देरी मत करो गुजरात का वैकेंसी सिर पर है एमपी का वैकेंसी सिर पर है ठीक है यूपी का वैकेंसी जैसे इलेक्शन होगा तैयार आपके लिए अभी से तैयारी करोगे चार पांच महीने का समय आपको वहां पर मिल जाएगा चार पांच महीने का समय मिल जाएगा तो ये लिंकिंग कोड अप्लाई करके आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आप तनसुख से डायरेक्टली लिंकिंग लॉ से डायरेक्टली कनेक्टेड हो गए और स्पेशल प्रिविलेज कैसे कुछ मामलों के अंदर आपको स्पेशल नोट मिलने वाले प्रिविलेज वो अपने वेबसाइट पर मिलेंगे आपको है ना तो ये सारे बेनिफिट आपको वहां पर गेन किए जा सकते हैं नाउ इट्स योर चॉइस के समय का इंतजार करना है एक कैंडिडेट का मैसेज आया मैंने शायद जाते जाते क्लास स्टार्ट होने से पहले पढ़ा था कि सर अभी मैं एलएलबी फर्स्ट ईयर के अंदर हूँ क्या मुझे जुडिशी का तैयारी स्टार्ट करना चाहिए या जब सोच क्लियर है सोच क्लियर है इसी रास्ते में जाना है तो सोचना है क्या ऑब्वियसली करो ऑब्वियसली करना ही चाहिए है ना करो इसको अच्छे तरीके से और टारगेट लाइफ के अंदर हमारा तय होना है तो फिर किसी से भटकना नहीं और ना ही किसी को भटकने देना तैयारी करो अच्छे से करो डेफिनेटली करनी चाहिए जहां पर आपका मन करे वहां पर करो और अगर आपको लिंकिंग आपको मेडिटेशन इमेजिनेशन डायग्रामेटिक अप्रोच अगर अच्छी लगती है देन यू आर मोस्ट वेलकम दिस स्टेज अब अरेस्ट के संबंध में प्रावधानों का ये बात करते हैं

दो फंडे जहां पर वो ड्यूटी बाउंड था जहां पर उसकी ड्यूटी थी कि भैया उसको गिरफ्तार करना है और फिर भी उसने उसको गिरफ्तार नहीं किया या फिर उसकी कस्टडी में कोई व्यक्ति था ठीक है कमिट किया गया था उसको और वो भाग गया और उसको गिरफ्तार वापस नहीं कर पाया तो ये मामला आपके इसमें कवर होगा बाउंड और कस्टडी और ये दोनों मिलकर आपके दो अलग अलग कैटेगरी का अपराध बनेंगे एक 221 का और एक 222 का 221 और 222 ये के की कैटेगरी यहां पर बन जाएगी और अगर लापरवाही से भाग गया है कोई व्यक्ति एस्केप हो चुका है एस्केप हो गया लापरवाही से लापरवाही बोले तो उपेक्षा से तो वहां पर आपके द्वारा जो अपराध किया गया है वो होगा टू ट्वेंटी थ्री का देखो आपको जो है ना की वर्ड याद रखना है और कुछ नहीं करना है की वर्ड के माध्यम से चीजों को समझेंगे तो कहीं कहीं काम जो है वो ज्यादा आसान है जो रहेगा ओमिट कर लिया उसने या वो एस्केप हो गया ड्यूटी बाउंड था तो 221, 222, 223 इस तरीके से ये आपका डायग्राम जो है वो क्रिएट होगा अब यहां पर एक और चीज अगर आपने इनके अलावा या तो क्या ड्यूटी बाउंड था फिर भी अरेस्ट नहीं कर पाया यहां पर उसकी कस्टडी में था फिर भी अरेस्ट नहीं कर पाया या फिर उसकी लापरवाही से भाग गया इनके अलावा अगर कोई रेजिडुअल मामला बन गया तो एक और प्रोविजन यहां पर क्रिएट हो जाएगा और वो प्रोविजन कौन सा होगा टू ट्वेंटी फाइव ए ये भी याद रखे ना टू अलावा कोई और मामला है और वो पब्लिक सर्वेंट गिरफ्तार नहीं कर पाता है तो मसला किस में चला जाएगा 225 ए में इसको बोलते हैं अपन रेजिडुअल नियम कि पीछे का अधिशेष का जो नियम है वो आपके यहां पर है जो कवर होगा 225 ए तो ये डायग्राम बेसिकली पब्लिक सर्वेंट के बताता है दो स्ट्रक्चर के अंदर इस पार्ट को डिवाइड है जो करता है ठीक है इस प्रावधान को हमें इस एंगल से दिमाग के अंदर याद रखना है रह जाएगा याद यस और नो यस वेरी गुड चलिए अब इसके अलावा हमारे पास में एक पॉइंट और बचता है वो है हमारे अदर प्रोविजन अब अदर प्रोविजन में क्या आता है जैसे आप देखना 224 के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि भाई अगर कोई व्यक्ति जिसको खुद को गिरफ्तार होना है गिरफ्तार किया जाना है और वो व्यक्ति आनाकानी करे वो व्यक्ति क्या करे कि नहीं मैं खुद को गिरफ्तार नहीं होने दूंगा वगैरह वगैरह तो मामला आपके किसमें चला जाता है टू ट्वेंटी फोर में देखिए इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि एक प्रोविजन आपको मैं और यहीं पर समझा यस yes. इसको अपन यहां पर, पर लेके चलते हैं और यहां पर इस पॉइंट पर आ जाते हैं वापस देखिए ये अरेस्ट का प्रोविजन है इसी से मिलता जुलता इसको मैं लिंक कर रहा हूं ठीक है ठीक इसको यहां पर अपन ने क्या कर दिया लिंक है जो कर दिया अब कैसे लिंक करेंगे ये तो था पब्लिक सर्वेंट के संबंध में अब अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट के बारे में रेसिस्ट करे रेसिस्ट करने का मतलब प्रतिरोध उत्पन्न करना विरोध करना रेसिस्ट द अरेस्ट अगर खुद की अरेस्ट को रोकता है किसी और की अरेस्ट को रोकता है या किसी अन्य तरीके से किसी भी व्यक्ति की अरेस्ट को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है तीन बातें खुद को गिरफ्तार करने आई पुलिस नहीं मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते किसी और को गिरफ्तार करनी नहीं उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते या और किसी तरीके से अरेस्ट के मामलों के अंदर वो गड़बड़ी कर रही है तो यहां पर आपके सामने तीन सेक्शन क्रिएट होते हैं ये सेक्शन आएगा टू अदर को गिरफ्तार करने में अगर आप क्या करो अवरोध उत्पन्न करो रेसिस्ट करने का मतलब क्या होता है अवरोध उत्पन्न करना तो टू और ये आपके हो जाएगा टू बी इस तरीके से ये सिचुएशन भी आप चाहें तो माइंड में सेट है जो कर सकते हैं रेसिस्ट वाला प्रोविजन आपके इस तरीके से हमारे सामने आएगा सेल्फ को करना अदर को करना या रेगुलर प्रोविजन 224 225 225 बी अब ये डायग्राम आपका कंप्लीट बनता है यहां पर ठीक है अच्छा एक बात बताऊं साथ-साथ में डायग्राम बना रहे हो या खाली मुझसे ही पूरी मेहनत करवा रहे हो हां या ना क्या साथ-साथ में बना तो रहे हो ना बनाना जरूरी है वरना क्या चीजें अपने आप में अधूरी है जो रह जाएगी चलो भाई तो देखो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या ऑब्जर्व किया फटाफट रिकॉल कीजिए फिर बाकी के बचे हुए प्रोविजन अपन डील करते हैं 191 के अंदर हमारे सामने गिविंग फॉल्स एविडेंस 192 में फैब्रिकेटिंग में फेब्रिकेटिंग 193 में बेसिक पनिशमेंट 194 में कैपिटल पनिशमेंट वाला प्रोविजन 195 में अदर जनमेंट वाला अपराध उसकी पनिशमेंट 195 नाइन्टी फाइव ए के अंदर धमकी वाला मामला 196 नाइन सिक्स में फॉल्स एविडेंस को यूज करना वन नाइनटी सेवन में फॉल्स सर्टिफिकेट जारी करना वन नाइन एट में फॉल्स सर्टिफिकेट को एक तरीके से यूज करना वन नाइनटी नाइन में फॉल्स डिक्लेरेशन देना टू हंड्रेड के अंदर फॉल्स डिक्लेरेशन को यूज करना टू जीरो वन के अंदर आप स्क्रीन ऑफेंडर करने के लिए एविडेंस डिसअपेयर हो या फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहे हो दो सौ दो में इंफॉर्मेशन नहीं देना दो सौ तीन में फॉल्स इंफॉर्मेशन देना दो सौ चार में डॉक्यूमेंट वगैरह को डिस्ट्रॉय या स्क्रीन चीज छुपा देना ताकि वो पेश नहीं किया जा सके दो सौ पांच फॉल्स परसोनेशन का मामला आपके सामने आ जाएगा 206 के अंदर जो है आपके सामने कौन सी कैटेगरी आएगी फॉल्सली रिमूवल करना प्रॉपर्टी को 207 के अंदर प्रॉपर्टी का फॉल्स है जो क्लेम करना फ्रॉड डिक्री खुद के खिलाफ करवाना 209 के अंदर एक तरीके से 208 के अंदर 209 में फॉल्स क्लेम करना किसी पर्सन को इंजरी पहुंचाने के लिए 210 में फ्रॉड डिक्री खुद के फेवर में करवाना 211 में किसी और के खिलाफ चार्ज फॉल्स स्टार झूठा आरोप लगाना 212 में नॉर्मल हार्बर वाला सिचुएशन जो है वो आपके आ जाएगा 213 में गिफ्ट लेना 214 में गिफ्ट देना 215 में किसी संपत्ति की रिकवरी करवाने के लिए इस तरीके से गिफ्ट का कोई मैटर आएगा 216 सो के अंदर हार्बर का मैटर 216 ए में रॉबरी डेकोटी के केस के में हार्बर का मैटर आ जाएगा वहां पर ठीक है तो ये सारी चीजें और फिर 217 ऑनवर्ड्स हम लोगों ने ये डील किया 217 पर्सनल प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए लॉक को डिस् करना दो सौ अठारह रिकॉर्ड फॉर्म करना जज अगर इनकरेक्ट ऑर्डर पास करे दो सौ बीस में कोई को गलती से कमिट करे अरेस्ट करे या फिर अरेस्टेड पर्सन जिसको अरेस्ट करना था उसको आप अपनी लापरवाही से अरेस्ट नहीं कर पा रहे हो या जान बुझ कर अरेस्ट नहीं कर रहे हो दो सौ इक्कीस अगर आप बाउंड है तो आपकी कस्टडी में है आप अरेस्ट नहीं कर पा रहे हो दो सौ बाईस एस के आगे आप लापरवाही से टू ट्वेंटी थ्री और रेजुरल प्रोविजन टू ट्वेंटी

समझना इस बात को आपके लिए टू ट्वेंटी सिक्स पर आ जाओ टू ट्वेंटी सेवन आपको रेमेशन पे छोड़ा गया रेमेशन का चैप्टर सी है, है, है वहां पर अपन आ जाएगा सर आपको कैसे याद रहता है सच बता दू याद रहता है एक तो लिंक कर रखा है इसके कारण और दूसरा मेडिटेशन कर रखा है इसके कारण फर्क पड़ता है इस बात का हम अगर बार बार चीजों को इसी तरीके से समझेंगे ना तो ऑटोमेटिकली माइंड गे बस तरीका बदलने की जरूरत है प्रॉब्लम हमारे साथ क्या हो रही है कि हमें जो कॉलेज में सिखाया जा रहा है हमें मोस्ट ऑफ नाइन्टी परसेंट जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में सिखाया जा रहा है वो यही है कि बेर एड को रीड आउट करो 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 अरे सिर दुख जाता है लेकिन चीजें माइंड में सेट नहीं होती ऑब्जर्वेशन चेंज करना पड़ेगा बदलाव लाना पड़ेगा मेरे पास ऑलमोस्ट दस से पंद्रह ऐसे स्टूडेंट की वीडियो आ रखी है सेल्फ वीडियो जहां पर वो इसी टेक्निक को अप्लाई कर रहे हैं एकदम आंखें बंद करके वो जो चीजें गुनगुना रहे हैं ना चीजें बोल रहे हैं ना उनको उन्होंने छोटा सा से सेल्फ रिकॉर्ड किया और वो देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है आपके स्पीच में जरूर मैं उसको साझा करूंगा और हो सकता है कल एक स्पेशल प्लान अपन करने वाला है जहां पर क्या करेंगे वीडियो टाइप का एक मीटिंग जैसा लास्ट बारह तारीख को किया था वैसा वैसा करेंगे ठीक है नहीं अलका जी भूलने की बात तब आती जब माइंड लिंक नहीं करता है इसीलिए आपको कह रहा हूं कि लिंकिंग बड़ी जरूरी होती है ठीक है चलो अब यहां पर देखिए हमारे पास में टू ट्वेंटी सेवन में रेमिशन की कंडीशन अगर आपने वॉयलेट की तो सजा क्या मिलेगी देखो अब टू ट्वेंटी सेवन को याद करना बहुत जरूरी है टू ट्वेंटी सेवन को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है यहां पर क्या आया कि आपने रेमिशन की कंडीशन को फॉलो नहीं किया इसके लिए अलग से सजा नहीं दे रखी है तो ये ऐसा पॉइंट है जो एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है सजा कितनी होगी कि जिस मेल अपराध का आपको रिमिशन दिया गया था वो जो ओरिजिनल सेंटेंस है वो ओरिजिनल सेंटेंस आपको भुगतनी पड़ेगी वो ओरिजिनल सेंटेंस आपकी जितनी भी है भाई कोई अपराध किया 10 साल की सजा थी उसकी सजा को रेमिट कर दिया गया था रेमिट की कंडीशन को नहीं माना तो वापस भुगतो 10 साल की सजा 228 आप सभी लोग जानते हो है ना यहां पर किसी जज की इंसल्ट करना इंटरप्ट करना 228 में आता है

चेयरमैन ऑफ द सेक्रेटरी बाय अब यहां पर इन्होंने एक सिचुएशन दे रखी है उस सिचुएशन को पूरा पढ़ेंगे ना तभी ये यह का प्रोविजन हमको समझ में आएगा ठीक पढ़ते हैं एक बार 229 229 229 और ए को भी डिस्कस कर लेते हैं टू ट्वेंटी अब आपको पता है जूरी ट्रायल तो आज के मामले में खत्म हो चुका है बट फिर भी अस का प्रोविजन अभी भी चल रहा है उनका पर्सोनेशन करेंगे तो दो साल का मसला यहाँ पर बनता है और अगर आपने किसी बॉन्ड की कंडीशन को फॉरफिट किया है बॉन्ड आपने बॉन्ड भरा था लेकिन एक बात ध्यान रखना आपको पता है

देखो क्या लिखा हुआ है नंबर of तो एक बाय और अंडर ऑर्डर राइटिंग ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन पुलिस स्टेशन का ऑर्डर या वेर विक्टिम इज डेड और माइनर और अनसाउंड माइंड और बायोराइजेशन और राइटिंग ऑफ द किन ऑफ द विक्टिम मतलब जो उसका एक तरीके से निकट संबंधी है, है ना वो तो तीन केसेस में उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज की जा सकती है

टू ट्वेंटी एट ए तीन भागों में इसका पोस्टमार्टम है जो होना चाहिए टू ट्वेंटी एट का सबसेक्शन वन टू ट्वेंटी एट का सबसे टू और टू ट्वेंटी एट का सबसेक्शन थ्री पहले में क्या कर रखा है कि आपने अगर विक्टिम की आइडेंटिटी विक्टिम की आइडेंटिटी अगर डिस्क्लोज कर दी तो टू ट्वेंटी एट थ्री में क्या लिखा हुआ है अगर आपने इसके संबंध में कोर्ट की प्रोसीडिंग अगर कोर्ट की परमिशन के बिना कर दी तो और टू टू में क्या दे रखा है टू एक्सेप्शन इसके जो है एक्सेप्शन आपको यहां पर दे रखे तीन अपवाद तीन एक्सेप्शन जो है यहां पर आपको दे रखे हैं पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट ठीक है ये यह आपको यहां पर दे रखा है तो इस तरीके से 228 भविष्य में जब भी पढ़ो इस एंगल से पढ़ोगे तीनों बातें आपको याद रहनी चाहिए 228 ट्वेंटी वन अलग है टू ट्वेंटी एट थ्री अलग है हालांकि दोनों के बीच में लिंक है बट प्रोविजन जो है वो अलग अलग कैटेगरी के, के अंदर आपके सामने इस तरीके से है जो आएगा ये बात आपको अच्छे तरीके से दिमाग के अंदर सेट है जो करनी है अब ये जितने भी डायग्राम मैंने आपके सामने बनाए हैं क्या मैं उम्मीद करूं कि आप इनको अच्छे तरीके से समझोगे बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है ठीक है आज का ये सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और एंड में आपसे इतना ही कह रहा हूँ वापस आपको लेकर आ रहा हूँ शुरुआती स्टेज पर और वो कौन सी स्टेज रहेगी दिस वन अभी जो है शाम को नौ बजे ये जो आपने पढ़ा है ना इसी का प्रैक्टिकल सेशन आपके सामने आने वाला है इसी का प्रैक्टिकल सेशन जो है आपके सामने आने वाला मतलब हम लोग दनादन दनादन स्पीड के साथ में लगभग तीस चालीस एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो अभी आपके पास आधे घंटे का अच्छा समय मिलेगा एक बार रिकॉल कर देना इसका पीडीएफ आपको कहा मिलेगा इसका पीडीएफ आपको लिंकिंग लॉस की वेबसाइट पर मिल जाएगा जिसका लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर करने वाला हूं इसीलिए ताकि वहां पर आपके लिए डेटा रहे। ओके? अच्छा, तो ये सेशन अभी नाइन ओ आपको अटेंड करना है और अटेंड करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा अगर आपने अन का एप डाउनलोड नहीं कर रखा है तो डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर उसमें लॉग करते समय आपको लिंकिंग कोड जो है अप्लाई करना है लिंकिंग कोड अप्लाई करते हुए आप उसमें लॉग इन कर देंगे तो आप उस सेशन को अच्छे से डील कर पाएंगे ठीक है ये बात और दूसरी बात फिर से कह रहा हूं तैयारी करनी है तो अभी स्टार्ट कर लो समय निकल गया तो उसके बाद में पीछे रह जाएंगे क्या परिंदे और उस आसमान में उड़ते हुए परिंदों को कौन देखता है जिस आसमान में सूरज की चमक चली गई हो याद रखना इस बात को कहने का मतलब यह है समय रहते कुछ चीज की जाए तब तो है तो तो फायदे की बात समय निकल गया तो भैया रात को कई बार जब हस्बैंड घर पे लेट आता है ना तो खाना नहीं मिलता है उसको टाइम पे पहुंचना पड़ता है <laughs> तो कहने का मतलब ये हमें भी क्या करना पड़ता है हर चीज को समय पे करना चाहिए और अगर आप प्लान कर रहे हो लेने का तो आपके सामने ये ऑप्शन है लिंकिंग लॉस से कनेक्ट होना है यू हैव टू अप्लाई दिस एस्पेक्ट टेन जो भी डिडक्शन होना है वो तो होगा वो तो हर एक कोड में होना वाला है लेकिन लिंकिंग लॉस से जो स्पेशल अफेक्शन है वो आपको लिंकिंग कोड इस्तेमाल करने से मिलेगा चलिए so मिलता हूं आप लोगों से मैं इसी सेशन का प्रैक्टिकल करने के लिए और अभी आठ बजे जैसा मैंने आपको बताया आपके शुभम सर जो है वो आने वाले हैं जुडिशरी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर ठीक है सो दैट्स ऑल थैंक यू थैंक यू सो मच